अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। ये चैप्टर जो है हमने वैन वाहन की बुक से लिया हुआ है, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। उसमें कुछ जो है मेन कंटेंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें है पहला मोटिव्स फॉर कैश होल्डिंग, स्पीडिंग अप कैश रिसीट्स, स्लोइंग डाउन कैश पेआउट्स। ये तीन हमारे पास जो है बहुत मेजर एलिमेंट्स हैं कैश रिलेटेड के। हमारे पास जो है लोग अक्सर क्या करते हैं, जब हम बड़ी कंपनीज का जिक्र करते हैं तो बड़ी कंपनीज जो है वो अपने पास कैश जो है मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अगर हम इस चीज को जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, तो एक आम आदमी क्या करता है कि अपनी डेली जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ पैसे अपने पास महफूज रखता है। कुछ पैसे वो क्या करता है कि अपने फ्यूचर की नीड के लिए रखता है कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके पास इतना बैकअप फंड होना चाहिए कि वो अपनी जरूरत को पूरा कर सके। इसके अलावा कुछ जो है ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जहाँ पे वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, तो उस मकसद के लिए वो क्या करता है अपने पास पैसे रखता है, क्योंकि लाइफ का पता नहीं चलता, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कोई एक खास स्पेसिफिक अमाउंट जो है अपने पास हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। और इसी कैश को मेंटेन रखने की जो हम जिक्र करते हैं, तो इसको हम कहते हैं होल्डिंग कैश, कि हम अपने पास क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है अपने पास मेंटेन करते हैं और उसको हम कुछ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो है मैंने आपको कहा कि तीन किस्म के मकासद हो जाते हैं जिसके लिए जो है हम अपने पास पैसे मेंटेन रखते हैं। और इसी चीज को जब हम कंपनी का जिक्र करें तो हम क्या कहते हैं कि कंपनी आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। जब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सन की तरह उसकी नीड्स भी होती है। जैसे हमने कहा कि कंपनी क्या करती है कि उसकी अपनी एक सील होती है जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी सिग्नेचर होता है। इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, वो अपने डिसीजन मेकिंग करती है। तो सेम एज जो है हमारे पास कंपनी क्या करती है, वो एक खास अमाउंट जो है कैश की सूरत में अपने पास मौजूद रखती है जो उसके फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल करती है, ठीक है। और यही चीज जो है जॉन मैनार्ड कीनीज ने सजेस्ट किए हैं कि आपके पास जो है कि एक इंडिविजुअल पर्सन या जो है कंपनी क्या करती है कि अपने पास तीन मकासद के लिए पैसे मौजूद रखती है, अपने पास सेफ रखती है, जिसमें पहला आ जाता है ट्रांजेक्शन मोटिव, दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव, थर्ड आ जाता है प्रिकॉशनरी मोटिव्स। ट्रांजेक्शन मोटिव से मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा कि आप क्या करते हो कि डेली रूटीन की अपनी एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हो, जिसको इन्होंने क्या कहा हुआ है, कहता है कि टू मीट पेमेंट्स अराइजिंग इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि आपके ऑर्डनरी जो बिजनेस की नीड्स है या जो है आपके बिजनेस एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हो उसके लिए आपको जो पैसों की जरूरत पड़ती है उसको हम ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं। अगर हम इसको अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से देखें तो ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है कि आप कोई चीज परचेज करते हो, उसके बदले में उसको पेमेंट करते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है, एक बंदे के पास जो है पैसों की कमी आ जाती है, दूसरे के पास चीजों की जो है उसी के पास जो है चीजों का इजाफा हो जाता है। अपोजिट क्या हो जाती है सिचुएशन के, दूसरे बंदे के पास जो है चीजें कम हो जाती हैं और उसके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। तो डेली रूटीन में जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, जैसे कि वो जो है मजदूरी पे करता है, टैक्सेस देता है, या वो क्या करता है कि डिविडेंड्स पे करता है, या कोई चीज उसने खरीदी है या कोई बेच दी है चीज, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन मोटिव आ जाते हैं। और इस मकसद के लिए कंपनी क्या करती है, अपने पास पैसे मौजूद रखती है कि इन फ्यूचर या जो है डेली रूटीन में जब वो क्या करेगा, कोई एक्सपेंसेस करेगा तो उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। दूसरी चीज स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसका मैंने आपको कहा था कि आप देखते हो कि किसी चीज की कीमत कम हो गई है तो आप उसमें जो है बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, वहां पे इन्वेस्ट करने की जो है कोशिश करते हो। यही चीज आपके पास जो है जब हम इसको नाम देते हैं उसको कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन या स्पेकुलेटिव से मुराद हमारा क्या हो जाता है कि फ्यूचर में हमें उससे कोई बेनिफिट नजर आते हैं और हम क्या करते हैं उसके लिए स्पेकुलेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या हम क्या करते हैं कि दूरंदेशी से उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। तो इसी चीज को इन्होंने कहा है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ टेम्पररी अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेट्स से एक कंपनी है वो क्या करती है कि वो जो है फर्नीचर बनाती है,
तो अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है, वहां पे उसको नजर आ रहा है कि एक बंदा जो है क्या कर रहा है कि वुड को सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है लो प्राइस पे। क्यों लो प्राइस पे कर रहा है? हो सकता है जो तूफान की वजह से वो इफेक्ट हो चुका है, गिर चुके हैं दरख्त वगैरह, तो वो सेल आउट करना चाहता है। तो अब इस मौके से ये फायदा उठाएगा और वो क्या करेगा, कम प्राइस पे जो है उसको खरीद लेगा, और फिर उसके बाद फ्यूचर में जब वो उस पर जो है क्या करेगा, फर्नीचर बनाएगा, तो उसको उसके लिए जो है बेनिफिशियल होगा, उससे वो फायदा कमाएगा। तो इस मकसद के लिए भी जो है क्या करती है, कंपनी अपने पास कैश को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। थर्ड चीज प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन हमारे पास क्या कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास पैसे रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टू मेंटेन अ कुशन और बफर टू मीट अनएक्सपेक्टेड कैश नीड्स, के अचानक सिचुएशन हो सकती है, कंपनी को लॉस हो सकता है, उसको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। एन ऑपोजिट सिचुएशन, अगर कंपनी क्या करती है कि वो जो है कोई तूफान आ जाता है, कोई और किस्म की जो है उस पर डिजास्टर आ जाता है, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसे अपने पास रखता है। जैसे मैंने आपको जो है इंडिविजुअल परस्पेक्टिव से जिक्र किया कि कंपनी के अलावा जो अगर एक आम बंदा होता है तो वो क्या करता है कि कुछ पैसे अपने पास हमेशा बचत करके रखता है, और उस बचत का अगर आप उससे पूछते हैं कि आप ये पैसे बचा के क्या करते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपको कि खुदा ना खासा आगे जो है फ्यूचर में कोई मसला बन गया या जरूरत पड़ गई तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उसको ओवरकम कर सकूं, मुझे किसी से जो है कर्जा मांगने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिकॉशनरी मोटिव्स। तो ये तीन मेजर हमारे पास जो है जॉन मैनर्ड ने हमें जो है बताए हुए हैं मोटिव्स, कि कंपनी क्या करती है कि इन तीन मकासद के लिए अपने पास कैश को होल्ड करने की कोशिश करती है, ताकि वो जो है क्या करे स्मूथली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके। और यही बात कहता है कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट नॉट ऑल द फर्म्स नीड फॉर कैश कॉल फॉर होल्डिंग बैलेंस एक्सक्लूसिवली। ठीक है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे हर जो है कंपनियों की जरूरत यही होगी कि वो जो है पैसे अपने पास रखेगा, हर कोई पैसे नहीं रखता, कोई जो है क्या करते हैं अपने पास अपने जो है पैसे जो है वो अपने पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लेता है, ठीक है, या फिर वो क्या कर लेता है कि उसको लाइन ऑफ जो क्रेडिट मिला होता है उसको वो जो है यूटिलाइज नहीं करता, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं कि जहाँ पे आप क्या करते हो, अगर आपको बैलेंस शीट याद हो तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं कि जब हम करंट एसेट्स का जिक्र करते हैं तो करंट एसेट्स में हमारे पास क्या होता है, कैश एट हैंड, कैश एंड बैंक एट बैंक हो जाता है, फिर उसके बाद हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज का जिक्र करते हैं, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या हो जाती हैं कि इन सूरत में भी पैसे हमारे पास मौजूद होते हैं, और हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि कंपनी जो है जरूरी नहीं है कि हमारे हमेशा जो है पैसों की सूरत में ये सारे के सारे पैसे रखेगी, बल्कि वो क्या कर सकती है अपने पास ये पैसे जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज की सूरत में रख सकती है, या फिर अपने पास जो है बैंक में रख सकती है जो उसकी जरूरत को फुलफिल कर सकती है। तो आपके पास जो है इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। और कहता है कि ज्यादातर कंपनीज जो है, अब ऐसे भी नहीं होता कि हर कंपनी जो है वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए पैसे रखे कि वो जो है बस इसका भी ख्याल रखे कि जी फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो उसको अवेल करेगा और उस परचेजेस कर लेगा। सो इसीलिए इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि इन दो मोटिव्स को फॉर द टाइम बीइंग जब हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव को कंसिडर नहीं करते। हम कहते हैं कि ठीक है कुछ कंपनीज जो है स्पेकुलेशन करती हैं, कुछ कंपनीज स्पेकुलेशन नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज क्या करती है वो अपने मेन बिजनेस पे ही फोकस करती है, ठीक है, उनका मकसद जो है ये नहीं होता कि चीज़ें की कीमतें कम हो रही है तो उससे फायदा लूँ या ज्यादा हो रही है फायदा लूँ, बल्कि उनका अपना काम जो है अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको सेल आउट करना और उससे प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि दो मेजर मोटिव्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, और वो हमारे पास क्या हो जाता है ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव आ जाता है। हमने क्या करना है कि इन चीजों को कंसिडर करना है, और अगर हम जब इन चीजों का जिक्र करते हैं तो हमारे पास जो है एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है कैश मैनेजमेंट सिस्टम की, कि हमें क्या करना पड़ता है कि अपने कैश को मैनेज करना होता है। हमें ऐसा नहीं होता कि हमें जो है क्या कर दिया कि सारे के सारे पैसे हमें नजर आ गया कि जी फ्यूचर में हमें जो है स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो हम सारे के सारे पैसे उसके लिए रखते हैं, या हमें नजर आता है कि जी हमारी ट्रांजेक्शन रोजाना बहुत ज्यादा हो रही है तो हम सारे के सारे पैसे जो है ट्रांजेक्शन जो है ऑन कैश करना शुरू कर दें। नहीं, हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसमें हम क्या करते हैं कि दो चीजों का मेजरली फोकस करते हैं। पहली चीज, हमारे पास जो कैश कलेक्शंस हैं उनको हमें देखना होता है कि हमने जो है पैसे कलेक्ट कहाँ से करने हैं,
और दूसरी चीज हमारे पास जो है डिस्पर्समेंट्स आ जाती है कि हमने क्या करना है कि पैसों को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, हमने अपने पैसों को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, और हमने जो है क्या करना है कि अपने जो हमारे पास पैसे महफूज पड़े हुए हैं जो हमने होल्ड किए हुए हैं कि वो कब हमने उनकी पेमेंट्स करनी है कब उनकी पेमेंट्स नहीं करनी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जो है सारे के सारे पेमेंट सब कर लें। हम क्या करते हैं कि अपने पास कुछ पैसे जो है हम जो है फ्यूचर में पेमेंट्स करते हैं, हम जो है अकाउंट्स पेबल को इनकर करते हैं और फिर बाद में उनको पेमेंट्स करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स की सूरत में होती है तो हम कलेक्शंस करते हैं उसकी, कुछ हमारे पास अपने पैसे मौजूद होते हैं जो कैश ट्रांजेक्शन हमारे पास हो जाती है, तो वो सारे के सारे हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कैश की सूरत में मौजूद हो जाती है। और हम फिर क्या करते हैं कि कुछ उसमें से कैश की सूरत में रखते हैं, कुछ को हम क्या कर लेते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और यही जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का जिक्र है ये हमारे पास क्या करता है कि बेनिफिट देता है हमें कि हम फ्यूचर में उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट कमा लें। मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज से मुराद हमारे पास क्या है कि लेस देन वन ईयर जो हमारे पास बॉन्ड्स या शेयर हैं हम उनका जिक्र करते हैं कि हम उनको खरीद लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो डेट भी हो सकता है या इक्विटी हो सकती है, ठीक है, कि हम उसको जो है परचेज कर लेते हैं फॉर द टाइम बींग और फिर बाद में उसको हम क्या कर लेते हैं सेल आउट कर देते हैं। और नीचे यहाँ पे इन्होंने क्या आपको बताया हुआ है कि दो एरोज जो इन्होंने यूज किए हुए हैं उसके बारे में आपको डिटेल दी हुई है कि आपके पास जो है क्या है कि आपके पास जो हमने इस एरो का जिक्र किया हुआ है कि ये जो हमारे पास एरोज आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं, कहता है कि फंड्स की फ्लो शो कर रही है कि हमारे पास फंड्स की फ्लो जो है इनवर्ड आ रही है और हम क्या कर रहे हैं कि उसको यूटिलाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की फ्लो जो है हमारे पास कहाँ पे आ रही है, कंट्रोल थ्रू इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, कि हमारे पास तमाम के तमाम जो है इसकी कैश की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कितने पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं कितनी पेमेंट्स हमने किए हैं कितने हमने रिसीव किए हुए हैं, इन सब को हमें क्या करना पड़ता है मैनेज करना पड़ता है। और इसी कैश मैनेजमेंट को हम में कहता है कि हमारे पास जो है कि इसमें एफिशिएंट कलेक्शन शामिल हो जाती है, डिस्पर्समेंट शामिल हो जाता है और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट शामिल हो जाती है, कि हम क्या करेंगे कलेक्शंस को देखेंगे अपने डिस्पर्समेंट्स को देखेंगे और टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे कि हमने जो है किस तरीके से इन सब को मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है हम आउट ऑफ कैश हो सकते हैं। तो हमने जो मोटिव्स का जिक्र किया कि लेट से आपके पास प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसे ना हो और आपके जो है हार्ड टाइम आप पे आ जाता है, तो अब उस हार्ड टाइम में आप क्या करोगे कहाँ जाओगे, आप जो है पैसे कहाँ से लोगे, आप लोन्स के लिए जाओगे और ऑलरेडी अगर आपने लोन्स इनकर किए हुए तो फिर तो आपको मजीद लोन भी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन तमाम के तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है कि अपने जो है कैश जो है हमें क्या करना होता है कि सेफली और कन्वीनियंट तरीके से उसको अवेलेबल करना होता है कि कहीं पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमें जो है उसके लिए पैसे मौजूद होने चाहिए हमारे पास, इसलिए जो है हम इसको क्या करते हैं कैश को मैनेज करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से और इन तीनों जो है एरियाज को हम डीपली एनालाइज करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी एक यूज होती है जो हम कहते हैं कि स्पीडिंग अप कैश रिसीप्ट, ठीक है, कि आपको जो है क्लास में भी बार बार मैं हमेशा कहता था आपको कि हम क्या करते हैं कि ज्यादातर बिजनेसेस का फोकस क्या होता है कि वो अपने जो है जो उनके पास कैश है वो ज्यादा अरसे तक मेंटेन रख सके। किस लिए ज्यादा अरसे तक मेंटेन रख सके, मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास कंपनियां के जो है सोच क्या होती है अप्रोच क्या होती है या कैश मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है कि आपने क्या करना होगा कि दूसरों को जब आप पैसे लौटाओगे तो उसको लेट करो, जब आप उनकी पेमेंट्स को लेट करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, उस अरसे तक आपके पास कैश मौजूद होगा और उस कैश को आप क्या कर सकते हो एक अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। और हमें क्या करना पड़ेगा इसके इनवर्स हमारे पास जो सिचुएशन हो जाती है वो होती है स्लोइंग डाउन कैश पेमेंट्स, ठीक है, कि हमने क्या कर दिया कि हमने जो है कैश जो है स्लोइंग करना होगा, क्योंकि हमारे पास जितनी भी कैश रिसिप्ट होंगी हमने उसको क्या करना होगा स्लो करना होगा जो हम कैश पेमेंट्स करेंगे, ठीक है, और जब हमारे पास कैश रिसिप्ट होंगी हमने उसको स्पीड अप करना होगा, ठीक है, कि हमने कहा कि कैश स्पीडिंग अप कैश रिसिप्ट, ठीक है। सो कैश रिसिप्ट स्पीडिंग से हमारा मुराद क्या है कि हमने जब लोगों को कर्जा दिया हुआ है वो जल्द से जल्द हमें रिटर्न हो जाए,
क्योंकि अगर हमारे पैसे औरों के पास मौजूद होंगे तो हमारे पास जो है अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट तो आपने बना लिया बैलेंस शीट में, लेकिन आपके पास ऑन हैंड तो कोई पैसे मौजूद नहीं है। आपको फायदा कब होगा? जब आप अपने वही अकाउंट रिसीवेबल जो है जल्दी रिसीव करोगे। और इसी चीज को रिसीव करने के लिए हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि स्पीडिंग अप कैश रिसीट। और हमने जो कहा कि पेमेंट्स को क्विक करो, क्योंकि हमें जो है हमने कहा कि जो दूसरों को पेमेंट्स हमने करी उसको स्लो करो, उसको हम कहते हैं स्लोइंग डाउन कैश पेआउट्स। क्या हमने अपने जो दूसरों को पेमेंट्स करनी होगी वो जो है थोड़ा सा स्लो रखना होगा, ताकि हम उस अरसे तक अपने पास पैसे मेंटेन रख सके और उसको हम क्या कर सके, एक बेहतर जगह पे इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो हमें जो है इन चीजों को देखना पड़ता है कि आजकल जो है कंपनीज इन चीजों को बहुत ही डीपली एनालाइज करती है। अगर हम नॉर्मली आम दिनों में देखें तो हम क्या कहते हैं कि जी अगर आपने जो है किसी के साथ ताल्लुक खत्म करना है तो उसको कर्जा दे दो। अब इस सेंटेंस से हमारा मुराद क्या होता है? यही मुराद होता है कि उस बंदे को जो आपने जो है कर्जा दे दिया, तो वो क्या करता है कि उस पैसों को अपने पास मेंटेन रखने की कोशिश करता है और उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है कि वो जो है उससे ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सके। और फिर जब आप उससे मांगते हो पैसे तो वो जो है उसको डिले करता है, क्योंकि वो कहीं और इन्वेस्ट कर चुका होता है या वो मजीद उसके कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कंपनीज भी इजी अप्रोच के साथ चलती हैं और वो भी यही कहती है कि हमें जो है क्या करना चाहिए एज ए ऑर्गेनाइजेशन, अपने जितने भी रिसिप्ट होंगे, जितने भी रिसीवेबल्स होंगे, हमें उनको क्विक करना होगा। लोगों से अपने पैसे जितना क्विकली पॉसिबल हो हमें उनसे रिसीव करना होगा, और जब हमें उनको पेमेंट देनी होगी तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा। और इसी चीज को हमने जो है दो हिस्सों में तकसीम किया, जो हमने टॉपिक के कंटेंट्स में भी देखा कि हमने देखना है कि स्पीडिंग अप कैश रिसिप्ट हमने कैसे करना है और हमने जो है क्या करना होगा, अपने कैश पेमेंट्स को स्लो डाउन कैसे करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीडिंग अप कैश रिसिप्ट, जिसमें हम बात करते हैं पहली चीज कलेक्शंस का। ठीक है, जब हमने जो है क्या कहा कि रिसिप्ट का जिक्र किया तो हमें जो है उसकी कलेक्शंस करनी पड़ती है। तो उसमें हमारे पास पहली बात ये कहता है कि हमें जो है क्या करना पड़ता है कि तीन जो है मेथड्स के जरिए से, या जो है हमारे पास क्या करना पड़ता है कि जो है तीन तरीकेकार हमारे पास दिए गए हैं जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट्स को क्विक कर सकते हैं कि हमें जल्दी से रिसीव हो जाए। पहली कहता है कि एक्सपीडेट प्रिपेयरिंग एंड मेलिंग द इनवॉइस, एक्सेलरेट द मेलिंग ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, थर्ड रिड्यूस द टाइम ड्यूरिंग विच पेमेंट्स रिसीव्ड बाय फर्म रिमेन अनकलेक्टेड। कि हमें इन तीन चीजों पर फोकस करना चाहिए कि हमें जो है जो हमने दूसरों को पेमेंट्स दी हुई हैं, ठीक हो गया, वो जो है हम क्या करें थोड़ा सा क्विक करें। सो पहली चीज हमने कहा कि एक्सपीडेट करें हम अपने, तो क्या कि एक्सपीडेट प्रिपेयरिंग एंड मेलिंग द इनवॉइस, कि हमारे पास जो हमारी इनवॉइसेस हैं हम उनको क्या करें एक्सपीडेट करें। ठीक है, हम उनको स्पीड अप करें कि हम जल्दी जल्दी से क्या करें कि जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हो जाती है, हम बड़े बड़े ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वो क्या करेगी कि वो डायरेक्टली अपने जो है जो परचेजर था या बायर था उसको बिल भेज देगी इनवॉइस का। ठीक है, कि उन्होंने ये चीज़ें परचेज की थी और उनकी इतनी पेमेंट है और ये जो है कंडीशंस के साथ उन्होंने उसको पेमेंट्स करनी है। तो जितनी जल्दी आपके जो है बिल्स वहां तक पहुंचेंगे तो वो इतना ही जल्दी काम करेगा उसमें। अगर आप क्या कर लेते हो कि बिल्स उसको लेट रिसीव कर देते हो, ठीक है, लेट से आपने जो है सामान उसको भेज दिया और आप उसको कहते हो कि ठीक है हम हिसाब लगा के आपको जो है एक दो दिन तक जो है रसीद भेज देंगे, तो एक दो दिन तो आप उसको रसीद बनाने पे लगा दिए, फिर उसके बाद जो है आप उसको जो है जब बिल भिजवा देते हो तो वो उस बिल को एनालाइज करेगा, अपने जो है उसको चेक करेगा कि क्वांटिटी पूरी थी कि नहीं थी, ठीक है, उस क्वांटिटी का सामान था कि नहीं था या क्वालिटी उसकी वैसी थी कि नहीं थी, फिर उसमें कुछ डैमेजेस हो सकते हैं वो वापस आ जाएगा, परचेजेस रिटर्न्स हो सकती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी सारी की सारी पेमेंट स्लो हो जाएगी। तो इसलिए कहता है कि आप अपने जो है मेलिंग इनवॉइस उसको जरा क्विक कर लें। दूसरी बात, एक्सेलरेट द मेलिंग ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, कि आप जो है क्या कर लो कि जो आपके पास कस्टमर की तरफ से पेमेंट्स आ रही है, ठीक है, उसको क्विक कर लो। और उसके बाद क्या है कि आपके पास जितना भी पेमेंट के ड्यूरेशन जो आपके पास रिसीव होती है, ठीक है, वो ड्यूरेशन थोड़ा सा क्विक हो जाए कि रिड्यूस द टाइम ड्यूरिंग विच पेमेंट रिसीव्ड बाय द फर्म रिमेन अनकलेक्टेड, कि आप तक जो पैसे पहुंचते हैं उसका ड्यूरेशन आपके पास जो है थोड़ा सा क्विक हो जाए, आपको जल्दी पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाए तो आपके लिए इजी हो जाएगा।
और इसी चीज को हम जो है क्या करते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं किस चीज में, एक प्रोसीजर में जिसको हम कहते हैं कलेक्शन फ्लोट। ठीक है, कलेक्शन फ्लोट बेसिकली हमारे पास क्या शो करता है कि एक टाइमलाइन पे हमने उसको जो है डिजाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास जो है कलेक्शन किस तरीके से होती है, आपके पास जो है एक बंदे के पास जब पेमेंट्स होती है वो आप तक पहुंचाता है तो उसमें कितना टाइम लगता है। और यही चीज इन्होंने जो है आपको इमेज में शो किया हुआ है कि अगर हम देखें तो आपके पास जो है ये लॉन्ग लाइन जो है एंड पे शो की जा रही है। ठीक है, कि ये जो सारा का सारा एरिया है आपके यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये सारा का सारा कलेक्शन फ्लोट कहलाता है कि आपके यहाँ से रसीद गई और रसीद के बाद जो है यहाँ पे आपके पास जो है पैसे पहुंच गए। इसको हम कहते हैं कलेक्शन फ्लोट, कि टोटल टाइम बिटवीन मेलिंग ऑफ द चेक बाय द कस्टमर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू द रिसीविंग फर्म, कि आपको जो है उस बंदे ने जो चेक भिजवा दिया वो आप तक पहुंचा और वो पहुंचने के बाद जब आपके पास कैश की सूरत में आपके पास पैसे आ गए, इसको हम कहते हैं कलेक्शन फ्लोट। कि लेट से आपने जो है एक बंदे के साथ जो है ट्रांजेक्शन की, ठीक है, अब आपने उसके साथ जो है ट्रांजेक्शन कर लिया, आपने उसको सामान बेच दिया, सेल आउट कर दिया, अब वो सामान के बदले में आपको चेक दे देता है क्योंकि बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं तो आपको जो लाखों के पेमेंट्स जो है आप बैग भर के या थैले भर के तो नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजेक्शन आपके पास जो है चेक्स पे होती है, तो जब वो चेक्स के थ्रू आपको पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हो कि उनको चेक्स को जो है बैंक में भी फिर डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, और फिर उसको डिपॉजिट करने के बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो इनको जो है इन्होंने चार स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया कि पहली बात ये कहता है कि आपके जो है बंदे ने जो रिसीवर परचेजर था उसने चेक इशू कर दिया, आपको मेल कर दिया, भिजवा दिया, जब आपके पास जो है वो मेल मिल गई, आपने चेक रिसीव कर लिया, अब आप जाते हो बैंक में, ठीक है, और फिर उस बैंक में जो है जब वो प्रोसेस होता है तो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको मिल जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो जाता है जिसमें हम पहले जो स्टेप हमने जिक्र किया ये वाला, इसको हम कहते हैं मेल फ्लोट, और फिर जब आप उसको जो है बैंक में जमा करा देते हो और बैंक उसको प्रोसेस करता है, इसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग फ्लोट, और फिर उस प्रोसेस से जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अवेलेबिलिटी फ्लोट, और इन दो चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं डिपॉजिट फ्लोट। कि आपके जब हमने जो है चेक जमा कर दिया, नाम से इशू होता है, डिपॉजिट से हमारा क्या मुराद होता है कि हमने जो है डिपॉजिट करा दिया चेक, हमने जो है अपने जो है चेक था जो हमने जमा करा दिया बैंक में, हम उसको क्या कहते हैं, सिंपली डिपॉजिट कहते हैं। कि आपने जो है अपने चेक लिया फिर उसको जो है डिपॉजिट कर दिया और फिर वो डिपॉजिट हो गया तो आपके पास पैसे आ जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है ये डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू आपके पास पैसे पहुंचते हैं। तो कलेक्शन फ्लोट से हमारा मुराद क्या हुआ कि जब जो आपका कस्टमर था उसने चेक इशू कर दिया और आपके पास जब रियल पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, आपको पैसे मिल गए, इसको हम कहते हैं कलेक्शन फ्लोट। हमारे पास दूसरी चीज, जब हमने कहा कि मेल फ्लोट का जिक्र किया कि कस्टमर ने क्या कर दिया कि आपको जो है चेक मेल कर दिया और वो चेक आपको जो है रिसीव हो गया, ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं मेल फ्लोट, के टाइम द चेक इज इन द मेल, कि वो टाइम ड्यूरेशन, ये जो हम फ्लोट का जिक्र करते हैं, ये आपके पास वो टाइम ड्यूरेशन का बार बार जिक्र आ रहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन के जिसके अंदर आपके पास चेक आपका क्या था, मेल के अंदर जा रहा था, आपने जो है उसको भिजवा दिया था और वो बेशक आपने और उस बंदे को रिसीव होने के दौरान जितना टाइम मिलता है, ठीक है, कि लेट से आज मैंने आपको चेक इशू कर दिया और आज मैंने चेक भिजवा दिया और आपको जो है एक दो दिन के बाद मिल जाता है, तो वो जो एक या दो दिन जब आपको जो है चेक रिसीव होने में लगते हैं, इसको हम सिंपली कहते हैं मेल फ्लोट। इसके बाद हमने जो है क्या कर दिया, अगली चीज का जो जिक्र किया था वो हमारे पास था प्रोसेसिंग फ्लोट, जिसको हमने क्या कहा था कि जब आपको जो है फर्म ने जो है चेक रिसीव कर लिया और फिर उसको क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, कि प्रोसेसिंग फ्लोट टेक्स अ टाइम इट टेक्स अ कंपनी टू प्रोसेस द चेक इंटरनली, कि अब जब आपके पास चेक आ गया तो अब आप उसको भी खुद भी तो एनालाइज करोगे कि वही अमाउंट है कि नहीं है जितना आपने उसको हिसाब किताब किया था, वो वैसा है कि नहीं है, ठीक है, अगर वो चीज़ सही हो जाती है और आपको नज़र आ जाता है कि ठीक है कंपनी ने जो है जो पेमेंट भेजी है वो ठीक है और उसके जो है अकॉर्डिंगली है जितना हमने कहा था, उसमें कोई इश्यूज वगैरह नहीं है, तो जब वो सारा क्लियर हो जाता है उस क्लियरिंग टाइम को हम कहते हैं प्रोसेसिंग फ्लोट। फिर उस प्रोसेसिंग फ्लोट से हम क्या करते हैं कि चेक को डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, चेक जब डिपॉजिट हो जाता है बैंक में तो वहां पे उस पे भी तो टाइम लगता है, ठीक है,
कि हमारे पास क्या हुआ कि दूसरी चीज ने कहा कि थर्ड चीज हमारे पास अवेलेबिलिटी फ्रॉड, कि टाइम कंज्यूम इन क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम, कि यहाँ पे आपने जो है सारा का सारा प्रोसेस कर लिया, चेक को देख लिया कि ठीक है सही है, आपने जितनी पेमेंट्स ट्रांजेक्शन की थी वो भी बिल्कुल ठीक थी, अब आप उससे क्या करते हो कि बैंक में जमा करा दिया और बैंक ने उसको जो है प्रोसेस किया, आपने फॉर्म फिल किया या अपने अकाउंट नंबर वगैरह की रिसिप्ट जमा कराई, फिर बैंक उसको जो है कंफर्म करता है कि ठीक है ये चेक जो है ओरिजिनल है कि नहीं है, जेनवन है, वो उसमें जो है डिसऑनर तो नहीं हो रहा, अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, वो सब कुछ जब कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि फॉर्म्स बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं और आपके जो है बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो सारा का सारा ड्यूरेशन आपके पास जो है, हमने कहा कि ये प्रोसीजर जब आपके पास होगा कि बैंक उसको क्लियर करेगी और आप तक वो पैसे पहुंचेंगे, उसको हम अवेलेबिलिटी फ्लोट कहते हैं। और लास्ट हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो सारा का सारा ड्यूरेशन लगा कि ठीक है कि जिसमें हमारे पास प्रोसेसिंग फ्लोट था और अवेलेबिलिटी फ्लोट था, इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं इसको हम कहते हैं डिपॉजिट फ्लोट। कि इसको जो है इन्होंने क्या कहा कि टाइम ड्यूरिंग विच द चेक रिसीव्ड बाय द फर्म रिमेन अनकलेक्टेड फंड, कि इस सारे के सारे टाइम के ड्यूरेशन के अंदर आपके पास चेक अनकलेक्टेड था ना, आपको जो है रिसीव हुआ चेक, आपने उसको जो है चेक किया, फिर उसको जो है बैंक में जमा किया, बैंक के बाद जो है जब वो क्लियर हुआ तो आपके पास पैसे पहुंच गए। तो अब हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो चेक का प्रोसीजर था वो बहुत स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि पहले जो है उस बंदे ने सारे के सारी चीजें चेक कर ली, जब वो सारी के सारी चीजें चेक हो गई तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, आपको मेल कर दिया चेक, और फिर जब उसने जो है आपको चेक मेल कर दिया तो फिर आपको जो है पेमेंट्स मिलने का टाइम आना शुरू हो गया। ठीक है कि जब आपके पास जो है चेक मेल कर दिया, आपको चेक मिल गया, आपने उसको वेरीफाई किया कि ठीक है इतने जो हमने यूनिट्स भेजे थे उसके इतने पैसे बंदे थे, इसने भिजवा दिए, अब आप क्या करते हो उसको जो है बैंक में लेकर जाते हो, वहां पे जमा करते हो। जब आप उसको बैंक में जमा करते हो बैंक उस जो है चेक को चेक करती है कि क्या ये सही है, ठीक है अथोराइज है, ठीक है लीगल है, फिर उसके बाद अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, वो सारी की सारी कार्रवाई हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके पास पैसे आ जाते हैं। जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि अवेलेबिलिटी फ्लोट। और फिर जब इन रियलिटी जब आपके पास क्या कहता है कि आप वहां से पैसे निकाल लेते हो तो इन पैसों को निकालने को हम कहते हैं डिपॉजिट, ठीक है, या जो है हम उसको हम कहते हैं कलेक्टेड फंड्स। कि जब आपके पास डिपॉजिट हो जाते हैं पैसे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर आप उसको निकाल लेते हो और आपके ऑन हैंड आ जाते हैं पैसे, इसको हम कहते हैं कलेक्टेड फंड्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या जाता है एक प्रोसीजर के थ्रू ये सारी की सारी पेमेंट्स चलती हैं। तो अगर इस किस्म का स्लो प्रोसीजर जब चल रहा होगा तो अब जाहिर सी बात है कि आपकी कलेक्शन तो स्लो होंगी। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि इसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए हमें, कि इसमें जो है लेट से हम कह देते हैं कि पहले दिन पे आपको चेक जो है मेल हुआ, दूसरे दिन पे आपने उसको जमा किया बैंक में, 2 दिनों के बाद आपको मिला तो 3 दिन इसको लगे, चौथे दिन पे आपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है 2 दिन के बाद जो है आपके चेक जो डिपॉजिट हो गया या 1 दिन के बाद 5 दिन लग गए, छठे दिन पे आपने उसको निकाला, तो ये 6 दिन के अंदर आप उन पैसों को जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते या कहीं पे उस पर शेयर या जो है बॉन्ड्स खरीद के अच्छा ट्रेड कर सकते थे। तो हमने क्या करना होता है कि इन ट्रांजेक्शन को अपने लिए थोड़ा सा क्विक करना होता है, और इसी के लिए हम जिक्र करते हैं। और कहता है कि अक्सर आपके पास क्या है कि डिफरेंट जो है डेवलप कंट्रीज में वो क्या करती है कि बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको जो है 2 दिन लगते हैं कम से कम, वो कहते हैं कि जो है चेक्स और क्रेडिट जो है उनका डेफर्ड रहे, ठीक है कि वो जो है अपने पेमेंट्स को रिसीव करें, उसमें जो है उन्होंने जो है मैक्सिमम 2 डेज रखी हुई है क्योंकि पेमेंट जो है डिले होना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। और इसी चीज को जो है कहता है कि हमने क्या करते हैं कि जब आप एज ए फाइनेंशियल मैनेजर इस चीज को देखते हो तो आपके लिए जो है इस कलेक्शन फ्लोट को जो है शॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि आप जो है चेक आ जाता है लेट से जब आप उसको बैंक में जमा कराते हो और वो जो है डिसऑनर हो जाता है या जो है वो कोई और प्रॉब्लम आ जाता है चेक में या जो है पेमेंट्स का इशू आ जाता है, फिर आप उसको भेजोगे तो उसमें बहुत बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास जो है बैंक्स होते हैं या सिस्टम होते हैं हम उसको क्विक करने की कोशिश करते हैं, और उसको क्विक करने के लिए हम डिफरेंट तरीके कार अपनाते हैं जिनको हम जो है हमने स्टडी करना है, जिनको हमने देखना है कि हम कितना पॉसिबल तरीके से इन चीज़ों को क्विक कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज़ का जिक्र हम करते हैं कि अपनी अर्लियर बिलिंग्स करें, कि हम जो है कस्टमर को एज सून एज पॉसिबल पेमेंट्स दें। क्योंकि जब आप उनको जो है अर्ली पेमेंट्स नहीं करोगे तो हमने क्या कहा कि आपके जो है पेमेंट्स लेट होना शुरू हो जाएंगे,
है कि हमने एक पहली चीज क्या की कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेट प्रिपरेशंस एंड मेलिंग ऑफ इनवॉइसेस, कि अपने जितने भी आपके पास जो है मेल आप बना बिल्स बना रहे हो उनको थोड़ा सा क्विक करो, उनको जो है एक्सेलरेट करो, कि जितना जल्दी आपकी जो है का चीजें बिल्स बनेंगे उतने ही आपका काम आसानी से होगा। ठीक है, मोस्टली हमारे पास क्या होता था कि जो है लोग इस चीजों को देखते थे कि अपने पेमेंट्स को क्विक कराने के लिए वो क्या करते थे, डिफरेंट किस्म के उनको जो है डिस्काउंट ऑफर्स देते हैं, एक अलर्ट से आपने जो है 30 डेज के लिए लोन लिया था या जो आपने 60 डेज के लिए लोन लिया था तो, या जो है आपने परचेजेस कर लिया और आप उसको कहते हो कि मैं आपको 60 दिनों के बाद या 60 डेज के बाद आपको जो है पेमेंट्स कर दूंगा, तो वो कंपनी सोचती है कि 60 डेज तक जब ये मुझे पेमेंट करेगा तो ये तो काफी टाइम है तो इसको मैं क्विक कैसे करूँ। वो उसको कहता है कि अगर आपने क्या कर दिया कि 40 डेज के अंदर पेमेंट्स कर दी तो मैं आपको क्या करूंगा कि 2% या 3% डिस्काउंट दूंगा इन पैसों पे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब आप 2 या 3% जो है बड़ी अमाउंट पे लगाएं तो वहां पे एक अच्छा जो है उसके लिए बेनिफिट बनता है, तो कंपनी क्या करती है कि वो जल्दी से जल्दी जो है उसको पेमेंट्स वापस करने की कोशिश करती है उस डिस्काउंट ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन होगी तो फिर तो आपके पास जो है लोग ड्यू डेट का इंतजार करेंगे कि आपके पास जो है डिस्काउंट डेट जो भी गिवन है उसके अंदर अंदर पेमेंट कर लें, लेकिन अगर आपने जो है उसके डिस्काउंट डेट का जिक्र नहीं किया हुआ तो फिर वो क्या करेंगे, फाइनल ड्यू डेट तक इंतजार करेंगे कि हमने जो है 60 दिन कहे हुए थे तो 60वें दिन पे पेमेंट कर दूंगा, अभी कोई जल्दी नहीं है, तो आपके पास इस किस्म की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम्स को कंप्यूटराइज करने की कोशिश करते हैं और हम कंप्यूटराइज बिलिंग को जो है इंकम्प्लीट करते हैं कि हम अपने जो है जितने भी इनवॉइसेस होते हैं उसको जल्दी से जल्दी उसको मेल कर दें। ठीक है, कि हमारे पास जैसी ट्रांजेक्शन हो जाती है हम उसको डायरेक्टली फैक्स कर देते हैं, या जो आजकल आपके पास जो है ईमेल का सिस्टम है आप जो है क्या कर लेते हो डायरेक्ट इनवॉइसेस उनको ईमेल कर देते हो कि जी इतना जो है आपने ट्रांजेक्शन किए, इतना जो है हमने सामान आपको भिजवा दिया, उसकी इतनी कॉस्ट हो रही थी, डायरेक्ट आप एमएक्स एक्सेल में सारा का सारा बना के शीट उसको भिजवा देते हो, या आपके अगर कोई डिजाइन फॉर्मेट है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो। तो एक तरीका आपके पास ये हो सकता है जिसमें इन्होंने क्या किया कि कंप्यूटराइज बिल इनवॉइस इज इंक्लूडेड विद शिपमेंट, इनवॉइसेस आर फैक्स्ड, एडवांस पेमेंट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, कि आप जो है फिर क्या करते हो कि 3 चीजों के लिए कोशिश करते हो, एक आप कोशिश करते हो कि आप जो है क्या कर देते हो कि कुछ कंपनियां जो है कहता है कि इन चीजों को ज्यादा बेनिफिशियल कंसिडर कर देती है कि वो कंपनियों की जैसी सामान रवाना हो जाता है उसके साथ उसका बिल भिजवा देते हैं, जैसे अगर हम ट्रक वगैरह का देखें तो ट्रकों में क्या हो जाता है कि उसके साथ उनके जो है जितना सामान वो भिजवा रहे हैं उसके साथ बिल बना के जो है उसको रवाना कर दिया जाता है, उसके ओनर को या जो है जो ट्रक ड्राइवर होता है उसको दे दिया जाता है कि जब आप जो है मंजिल पे पहुंच जाओगे तो उसको डायरेक्टली मालिक के हवाले कर दो, तो मालिक को जब मिल जाएगा तो वो उसको सामान के साथ साथ कंपेरिजन भी कर लेगा, पेमेंट्स को भी देख लेगा, हिसाब किताब भी कर लेगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन उसके लिए कम हो सकता है। वो जो है दूसरा तरीका हमने क्या कहा कि वो उसको जो है इनवॉइसेस फैक्स कर सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे फैक्स की फैसिलिटी है तो आप जो है फैक्स कर देते हो, वो जो है उस सामान या ट्रक या उसके थ्रू भिजवाने से मजीद तेज हो जाता है, या फिर आप उसको क्या कर लेते हो एडवांस पेमेंट का कह देते हो कि आपने इतने परसेंट जो एडवांस पेमेंट हमें कर देनी हो कि खैर बाद में आप जो है सामान रिसीव होने के बाद हमें बकाया पेमेंट्स कर दो, तो इस तरीके से कुछ अमाउंट तो आपके हाथ आ जाती है ना, जितना आपने ट्रांजेक्शन किया होता है तो आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाती है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और फिर जो हमने इसमें लास्ट चीज का जिक्र किया हमने कहा कि प्री ऑथराइज डेट्स, कि आप क्या कर देते हो कि प्री ऑथराइज डेट्स जो है इशू कर देते हो। ठीक है, प्री ऑथराइज जो है डेट्स आपके पास क्या होती हैं, वो कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अ पेयर बैंक अकाउंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट टू द पे बैंक अकाउंट, द ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द पे विद द पेयर एडवांस ऑथराइजेशन। कि आप क्या कर देते हो कि ट्रांसफर कर देते हो फंड्स को, कहते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम पेयर्स बैंक अकाउंट, कि जो बंदा आपके पास क्या हो जाता है कि जो पेमेंट्स कर रहा है वो अपने बैंक को अथॉरिटी दे देता है। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि स्पेसिफाइड डेट पे जो पे का बैंक अकाउंट है उसमें इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, सो द ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय द पे, जो पैसे देने वाला है, क्योंकि विद द पेयर्स एडवांस ऑथराइजेशन, कि बैंक आपके पास जो मौजूद है वो पे ही है ना। ठीक है, कि बैंक आपके पास जो दरमियान में बैठा हुआ है उसने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस दिन पे लेट से मैं जो है आज ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ थर्सडे को, मैं बैंक को कह देता हूँ कि आप जो है फ्राइडे को उसको पेमेंट्स रिलीज कर दो, तो अब क्या है कि पेमेंट्स कौन कर रहा है, बैंक करेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं प्री ऑथराइज डेबिट।
कि आपने उसको क्या कर दिया कि पेमेंट्स जो है पहले से उसको डिसाइड कर दी, आपने अपने जो है बैंक को बता दिया कि इतने अमाउंट्स हैं, आपने इस डेट पे इसको पे करना होगा। तो ज्यादातर कहता है कि हम जब इन चीजों का जिक्र करते हैं तो हमारे जितने इंश्योरेंस की पेमेंट्स हों या हमारे पास जो डिविडेंड्स होती हैं, क्योंकि या मॉर्गेजेस होती हैं, कंपनियां क्या करती हैं उसको पे करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट होती है। तो वो कहती है कि जी चलो महीने की जो है पहली तारीख आ जाती है या फिर डेट आ जाती है, तो इस दिन पे उनकी पेमेंट्स को रिलीज कर दो। तो कंपनी पे ये बर्डन नहीं होता। जैसे अगर हम देखें तो हम क्या कर लेते हैं कि अपना जो है किराए के लेट से हम कह देते हैं कि हम एक किराए के घर में रहते हैं, तो हम जो है डेट फिक्स कर देते हैं, बैंक को कह देते हैं कि जी ये जो है मेरे मालिक मकान का अकाउंट नंबर है, इस डेट पे आपने क्या कर देना होगा उसको पेमेंट्स रिलीज कर देनी होगी। तो जैसे ही वो डेट आएगी आपके जो है उसको आपने अथॉरिटी दी हुई है बैंक को अपने पेई को, ठीक है, तो वो जो है उसको क्या कर देगा उस डेट पे पेमेंट रिलीज कर देगा। फिर उसके बाद जो है एक और सिस्टम जो है जो बाहर कंट्रीज में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। कि आप इसको सिंपल देखें तो आपके पास जो पीओ बॉक्स और ये जो लिखे होते हैं, ठीक है, कि आप एक जो है बैंक या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप उसको जो है लिखा होता है कि जी इस पीओ बॉक्स पे हमें जो है या एड्रेस पे हमें ये चीजें अरसाल कर दें। तो वो उनके जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या सीवी या जो भी चीजें आती है वो एक स्पेसिफाइड लेटर बॉक्स में उसको जमा होना शुरू हो जाती है, तो वहां से वो इजिली कलेक्ट कर सकता है। इसको हम कहते हैं लॉक बॉक्स सिस्टम। कि जब आपके पास पेमेंट्स का सिस्टम होता है तो वो भी इसी तरीके से ही होता है कि आप क्या करते हो कि इन चीजों को इस तरीके से मेंटेन करते हो। और लॉक बॉक्स को अगर हम जो है कहें तो कहता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेंटेन बाय द फर्म्स बैंक दैट इज यूज्ड एज अ रिसीविंग पॉइंट फॉर द कस्टमर रिमिटेंसेस। कि आप क्या कर लेते हो कि जी कस्टमर के जितने भी पेमेंट्स आपके पास आते हैं आप उसके लिए एक बॉक्स जो है मुख्तस कर लेते हो, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स मुख्तस कर लेते हो, और वहां पे जितने भी आपके जो है जितने भी डिफरेंट कंट्रीज में है या डिफरेंट जगहों पे मुल्कों में आपकी जो है जितने भी ट्रांजेक्शन हो रही होती है या आप जो है परचेजिंग और सेलिंग कर रहे होते हो, शिपमेंट्स कर रहे होते हो, तो वो सारे के सारे पेमेंट्स आपकी वहां पे जमा होना शुरू हो जाती है। और फिर ठीक है कि हम जो है जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो अब जो है बैंक क्या करता है कि अपने जो है वहां से रोजाना के हिसाब से या जितनी भी आपकी जो है डेली ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही होती है तो वो वहां से सारे के सारे चेक्स कलेक्ट करता है और उसके पेमेंट्स आपके जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो इसका तरीकेकार जो है बहुत ही आसान होता है। अगली स्लाइड में हम इसके प्रोसीजर को देखेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो ये जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर हो जाता है हमारे पास वो जो है जब हम इसका जिक्र करते हैं पोस्ट ऑफिस का सिस्टम का, क्योंकि इसमें फिर टाइम आपके पास ज्यादा लग जाता है। ठीक है कि आप जो है क्या करते हो कि अपने प्रोसेसिंग फ्रॉड को कम करने की कोशिश करते हो कि आप उसको जो है चेक्स आपको मिलेंगे, आप चेक को जो है क्या करते हो कि उसको एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद उसको कंफर्म करने के बाद फिर बैंक में देते हो और फिर बैंक उसको प्रोसेस करते हैं। तो हम उस फ्रॉड को कम करने के लिए क्या कर लेते हैं कि अपना लॉक बॉक्स का सिस्टम डिवेलप कर लेते हैं कि जितने भी आपके पास रिमिटेंसेज आ रही होती है कस्टमर की तरफ से, ठीक है, वो आप सारे के सारे क्या कर रहे थे कि एक जगह पे जमा होती है, बैंक खुद ही उसको कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस कर देता है, तो वो आपका जो है यहाँ से बैरियर निकल गया उसमें से। दूसरा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक बॉक्स, कि कलेक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ फर्म्स बैंक दैट रिसीव्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड अकॉम्पनिंग रिमिटेंसेस डेटा एंड कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द कंपनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। कि अब इसमें आपके पास क्या हो जाता है कि ये हम अब क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली उसकी पेमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि अब आप जो है उसको पोस्ट ऑफिस के जरिए से जो है चेक्स वगैरह ये चीजें नहीं भिजवा रहे, बल्कि आप क्या कर लेते हो कि सिंपली जो है आप उसको जो है मजीद एफिशिएंट कर लेते हो, इसको जो है क्विक बनाने के लिए जो है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे लेकर चले जाते हो। कि आपके पास जितनी पेमेंट्स होती हैं अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रही है, ऑनलाइन ट्रांसफर अब अगर आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने जो है डेटा जितने आपके पास आ रही है, जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं वो आपकी कंपनी क्या कर रही है या बैंक आपका डायरेक्टली रिसीव कर रहा है, वो डायरेक्टली रिसीव कर रहा होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जी आपका जो है बैलेंस रिसीव हो गया, आपके इतने ट्रांजेक्शन थी वो हो गई थी। तो हम जो है इसको फिर ज्यादा एडवांस सिस्टम में भी जा सकते हैं। अगर एक कंपनी है जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करती है तो वो क्या करती है कि इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो है अपने इस सिस्टम को मजीद बेहतर करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना शुरू कर देती है कि हमारा प्रोसीजर मजीद क्विक हो जाए और ज्यादा बेहतर हो सके। तो हमने कहा कि जी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स तो हो गया, ये चीज़ हो गई, लेकिन ये फंक्शन कैसे करती है,
ये काम कैसे करते हैं जब हमने इसको कहा कि पोस्ट ऑफिस जो है बॉक्स का हम सिस्टम मेंटेन रखते हैं, तो इसके लिए हमें क्या हो जाता है कि सिंपली पहले बात हमारे पास क्या हो जाती है कि कस्टमर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेल देयर रिमिटेंसेस टू द लॉग बॉक्स लोकेशन। जैसे आपने हमने कहा कि आप जो है उनको पीओ बॉक्स एड्रेस देते हो, आप जो है उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कराते हो, सेम आप अपने कस्टमर को कहते हो कि मैं आपको जो है ये लोकेशन हमने दी हुई है, आपने चेक्स भिजवाने हैं, आप इस एड्रेस पे लोकेशन पे आप जो है अपने सारे के सारे चेक्स भिजवा दो, ठीक है। दूसरी बात, बैंक पिक्स अप रिमिटेंसेस सेवरल टाइम्स डेली फ्रॉम द लॉग बॉक्स। अगर आपकी बड़ी कंपनी है और आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी पेमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी रिसीव हो रही है, तो फिर आपका बैंक क्या करता है कि दिन में कई दफा उस बॉक्स को चेक करता है, उसके लिए अपना एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो इस चीज को चेक करता है और वहां पे जितनी भी पेमेंट्स आ रही होती हैं वो उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है और फिर वो उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर देता है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, अब क्वेश्चन ये भी है कि जहन में आ जाता है कि ये जो है क्या सिर्फ एक ही आपके पास जो है लॉक बॉक्स बना सकते हैं? नहीं, बल्कि कंपनीज क्या करती है, जो बड़ी होती है वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोकेशंस पे अपने जो है लॉक बॉक्स का अपना नेटवर्क डेवलप कर लेती है ताकि उनका मजीद जो ये मेल फ्रॉड और इसका जो प्रोसीजर है वो मजीद क्विक हो जाए। और वो क्या करते हैं कि रीजन के बेसिस पे वहीं पे अपने अपने इलाकों में अपने मेल बॉक्स बना लेती है और उनके बैंक्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी उनके ट्रांजेक्शन को फुलफिल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम उनकी ओवरकम हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बैंक डिपॉजिट रिमिटेंसेस इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड प्रोवाइड्स अ डिपॉजिट स्लिप विद अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स। कि अब आपके पास क्या हो गया कि उसके जो है रिमिटेंसेस उस कस्टमर के जो है बैंक अकाउंट में जो है जमा करा देता है और फिर उसको जो है डिपॉजिट स्लिप और उसके सारे की सारी लिस्ट जो है उसको पेमेंट्स की दे देता है कि आपकी आज के दिन कितनी पेमेंट्स हुई थी, वो सारी की सारी प्रोवाइड कर लेता है। कंपनी रिसीव्स द लिस्ट एंड एनी एडिशनल मेल्ड आइटम्स। अगर कोई और इस किस्म की जो है आइटम उनको मिला हुआ है या डिपॉजिट स्लिप्स दी थी या कोई और कोई इस तरीके से गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस थी या कुछ सम, वो भी उसको प्रोवाइड कर देती है और उसके साथ साथ कंपनी उसको लिस्ट भी दे देती है कि आपके इतनी पेमेंट्स आज के दिन पे आपको रिसीव हुई थी और इस बंदे ने आपको आपके ट्रांजेक्शंस कर दी थी। जैसे हम आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो हम क्या करते हैं कि बैंक से अपनी स्टेटमेंट्स निकालते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपको क्या बताता है, आपको यही बताता है कि आपने अकाउंट में कितने पैसे जमा किए थे, कितने निकलवाए थे। सेम आपके पास लॉक बॉक्स प्रोसेस में भी होता है कि जब बैंक जो है क्या कर लेती है कि आपकी जो है ट्रांजेक्शन जितने भी हो रही होते हैं वो प्रोसेस कर लेती है, आपको जो है बता देती है कि आपके कितने पैसे रिसीव हुए, किससे रिसीव हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फॉरवर्ड कर देती है। अब लॉक बॉक्स के जो है कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो है फायदा हमारे पास क्या हो जाता है, कहते हैं कि रिसीव रिमिटेंसेस सूनर व्हेन व्हिच रिड्यूसेस प्रोसेसिंग फ्लोट। कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो प्रोसेसिंग फ्लोट था वो क्विक हो जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फ्लोट हमने क्या कहा था कि आप अपना जो चेक को चेक जो है चेक को चेक देखते थे, उसको जो है एनालाइज करते थे, वो थकन आपकी खत्म हो गई, उस प्रॉब्लम से हेडेक से आप निकल गए। अब वो हेडेक जो है बैंक की है, वो रिसीव करेगा, उसको एनालाइज कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान भी है कि कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग लॉक बॉक्स सिस्टम, ठीक है, कि जनरली नॉट एडवांटेजेस फॉर स्मॉल रिमिटेंसेस। कि जो है जब आप इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाते हो तो वो तो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप जो है अपने लिए एक मेल बॉक्स बनाते हो तो उसके कोई ना कोई चार्जेस होंगे, आप उसके लिए जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी जो है पेमेंट्स इतनी ज्यादा रिसीव नहीं हो रही होती और आप अपने लिए जो है एक और बर्डन बना लेते हो कि आपको जो है लॉक बॉक्स का सिस्टम मिल जाए, तो फिर तो प्रॉब्लम है। आसान सी एग्जाम्पल इसकी दे दूँ कि आपको जो है क्या करते हैं कि आप मिस कॉल अलर्ट जो है अपने मोबाइल पे लगा लेते हो। किस लिए आपने मिस कॉल अलर्ट लगाई, कि आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं तो आपसे कोई कॉल मिस हो जाती है या री एक्सेसिबल नहीं होता तो आपको पता चल जाता है कि जी मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अब आपके लिए फायदा मंद है क्योंकि आप जो है ज्यादा कॉल्स आपको रिसीव होती हैं बिजनेस की। लेकिन एक आम बंदा है जिसको दिन में जो है कोई कॉल नहीं आती या ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में एक या दो कॉल्स आ जाती है और वो जो है क्या कर लेते हैं, मिस कॉल अलर्ट का फंक्शन एक्टिवेट कर ले अपने मोबाइल पे और उसके रोजाना जो है 2 रुपए या 5 रुपए जो है चार्जेस दे, तो क्या उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम हम जो है जब लॉग बॉक्स सिस्टम का जिक्र करते हैं तो हमने कहा कि अगर एक कंपनी है अगर उसकी जो है रिमिटेंसेस जो है स्मॉल है तो उसके लिए जो है फायदा नहीं दे रहा क्योंकि उसको जो है पेमेंट्स इतनी कम मिल रही हैं और उससे ज्यादा वो क्या कर रहा है अपने जो है उस चीज़ की पेमेंट्स उनको बहुत ज्यादा कर रहा है, उनके जो है पेइंग बहुत ज्यादा कर रहा है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे जो है जो बैंक है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, हमारा जो है जो हम इस फंक्शंस को एक्टिवेट करेंगे या लॉग बॉक्स सिस्टम जो है हम अवेल करेंगे तो क्या ये मेरे लिए एडवांटेजियस है कि नहीं है।
एडवांटेजेस है तो फिर तो हम इसके लिए जाएंगे, अगर एडवांटेजेस नहीं है फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को अवेल नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग का, कि आप क्या कर लेते हो कि तमाम की तमाम चीजों को, जितनी भी आपके पास जो लोकेशंस थी उन सबको एक सेंट्रल पॉइंट दे देते हो। कहता है कि द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम लॉक बॉक्स और फील्ड बैंक्स इनटू द फर्म्स कैश सेंट्रल कैश पूल रिजाइडिंग इन अ कंसंट्रेशन बैंक। कि आप क्या कर लेते हो कि आपके पास सिंपली क्या है कि आपकी जो है एक नेटवर्क आपने डिवेलप किया हुआ था, ठीक है, आप जो है हर जगह आपकी ट्रांजेक्शन्स हो रही थी, आप जो है डिफरेंट लॉक बॉक्स आपने बना लिए थे, अब वो लॉक बॉक्स सारे के सारे जो है बैंक्स आपके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उन सबको आपने क्या कर दिया कि जो है एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो एक जगह पे जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। सिंपली वी कैन से दैट द फर्म दैट यूजेस अ लॉक बॉक्स नेटवर्क एज वेल एज द वन हैविंग न्यूमरस सेल्स आउटलेट दैट रिसीव फंड्स ओवर द काउंटर हैव समथिंग इन कॉमन। Both firms will find themselves with deposit balances at a number of regional banks. Each firm may find it advantageous to move part or all of these deposits to one central location, which is known as concentration banking. You should take all the payments to one place. It will be easy for you to accommodate it. क्योंकि अगर आप क्या कर लेते हो कि तमाम के तमाम जो है बैलेंसेस आप जो है डिफरेंट जगहों पे रख रहे हो, तो डिफरेंट जगहों पे आपसे जो है चार्जेस हो जाते हैं, उनके आपको जो है रिसीदे मिलना, उनके जो है इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा सा आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपने क्या कर दिया कि उन सबको जो है एक जगह के साथ जोड़ लिया, एक सेंट्रल प्लेस उसको बता दी कि तमाम के तमाम जितने भी डिपॉजिट्स होंगे वो मेरी एक जगह पे ही होंगी, एक बैंक में होंगी, और उसको हम कहते हैं कैश कंसंट्रेशन, या जो है हमारे पास कंसंट्रेशन बैंकिंग उसको कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी जिसका हम जिक्र करते हैं वो हमारे पास आ जाती है कंपनसेटिंग बैलेंस, कि डिमांड डिपॉजिट्स मेंटेन बाय अ फर्म टू कंपनसेट अ बैंक फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड क्रेडिट लोन्स क्रेडिट लाइंस और लोन्स। कि आपके पास जो जितने भी डिमांड डिपॉजिट जो अपने पास फर्म मेंटेन करती है कि अपने बैंक को जो है जो सर्विसेज वो अवेल कर रहा है, लाइन ऑफ क्रेडिट उसको मिल रहा है या लोन दे रहा है, उसको हम सिंपली कहते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस। कि आप जो है इस चीज को जो है अवेल करने की कोशिश करते हो। हमारे पास जो है कंसंट्रेशन में बैंकिंग के जो है या कैश कंसंट्रेशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम देखते हैं। पहली चीज कहते हैं कि मूविंग कैश बैलेंस टू सेंट्रल लोकेशन, कि अगर हम अपने तमाम के तमाम जितने भी कैश है उसको अगर एक जगह पे ले जाते हैं तो उससे क्या होगा, तो पहली बात इम्प्रूव्स कंट्रोल ओवर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कॉर्पोरेट कैश। कि आपके पास कितनी इनफ्लो हो रही है कितनी आउटफ्लो हो रही है वो आपके पास मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आसान हो जाता है। आपके लेट से जो है आपने 10 लॉक बॉक्स सिस्टम डेवलप किए थे, अब 10 लॉक बॉक्स को जो है नजर रखना, उनके पेमेंट्स आना, तो वो तो सारे बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, तो मीन्स कि आपने 10 जगहों पे 10 बैंकों के साथ कनेक्टिविटी की है, तो आप उसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप जब उसको एक सेंट्रल लोकेशन पे ले आते हो, एक सेंट्रल प्लेस उसको डिफाइन करते हो कि सारी ट्रांजेक्शन सब कुछ एक ही जगह पे होगी, तो अब आपको आसानी से पता चलेगा कि आपकी कितनी इनफ्लोज हो रही है कितनी आउटफ्लोज हो रही है, तो इसको मेंटेन करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसी टर्मिनोलॉजी को जो है इन्होंने क्या किया है, जब हम पोर्टफोलियो का जिक्र करते हैं कि डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, दे पुट इट दे कोट इट अपोजिटली, दे से दैट द आइडिया इज टू पुट ऑल ऑफ द योर एग्स इनटू वन बास्केट एंड देन वॉच द बास्केट, सो यू हैव टू फोकस ऑन द एनालाइजिंग और यू हैव टू फोकस ऑन द इंस्पेक्टिंग ऑफ दैट बास्केट। Because if you put all the eggs in a single basket, it will be also dangerous for you to keep an eye on it. But it will be also easily manageable. So, हमने क्या करना होता है कि हमने जो है बस आसानी से अब उस पर क्या करना होगा, नजर रखनी होगी कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट जगहों पर जब ये ट्रांजेक्शन हो रही होंगी तो उनका रिकॉर्ड रखना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपके लिए हेड एक हो जाता है कि अकाउंटेंट और उसको जो है मेंटेन रखे। दूसरी बात कहते हैं कि रिड्यूस आइडल कैश बैलेंसेस टू मिनिमम, ठीक है, कि आपके पास जो है जितना भी आइडल कैश होता है वो मिनिमम टाइम के लिए रहना शुरू हो जाता है, ठीक है, कि इन विच वी कैन से दैट के कीप्स डिपॉजिट बैलेंस एट रीजनल बैंक्स नो हायर देन नेसेसिटी टू मीट ट्रांजैक्शन नीड्स और अल्टरनेटिवली मिनिमम कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, एनी एक्सेस फंड वुड बी मूव्ड टू द कंसंट्रेशन बैंक, इफ यू हैव एनी एक्सेस अमाउंट यू विल सेंड इट टू द कंसंट्रेशन बैंकिंग, यू विल प्लेस इट इन अ सेंट्रल प्लेस सो यू विल यूटिलाइज द होल अमाउंट। लेट्स से वी कैन से दैट कि आप जो है क्या करते हो कि 10 जगहों पे आपके 10 जो है हर जगह पे 2-2 रुपए पड़े हुए हैं, तो आपके 2-2 रुपए जब पड़े हुए हैं तो आपके पास उसका रिकॉर्ड आना और उसमें टाइम लग जाता है,
तो अगर ये आपके पास एक्सेस अमाउंट एक जगह पे पड़ा होगा तो आपको पता होगा कि आपके पास कितने हैं, 10 रुपए मौजूद है। तो आप उन 10 रुपए को जो है कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो हमने इसलिए कहा कि आपके पास क्या हो रहा है कि आइडल जितने बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ था वो टाइम ड्यूरेशन उसका कम हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास कहता है कि अलाउज फॉर मोर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स बाय पूलिंग एक्सेस कैश बैलेंस। जाहिर सी बात है, इफ यू क्रिएट अ पूल ऑफ अमाउंट्स सो यू कैन इजीली यूटिलाइज इट समवेयर। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो कि जितने आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट्स आ रही है या जितना आप जो है रिसिप्ट्स आपको मिल रही हैं, आपको जो है पता चल रहा है कि कितने इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है, उसी हिसाब से आप जो है क्या कर लेते हो कि जितना भी एक्सेस आपके पास कैश बैलेंस आ रहा है आप उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स से देखें, दे से दैट पूलिंग एक्सेस बैलेंस प्रोवाइड्स द लार्जर कैश अमाउंट्स नीडेड फॉर सम ऑफ द हायर यील्डिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट रिक्वायर्स अ लार्जर मिनिमम परचेज। फॉर एग्जाम्पल, सम मार्केट और सिक्योरिटीज आर सोल्ड इन ब्लॉक्स ऑफ 1 लाख और मोर, सो वी कैन यूज दिस अमाउंट इन सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट which will give us more benefit or which will create more money for us. So we the major purpose of our maintaining balance or holding cash is to generate some money from it, because we know that the concept of time value of money, so we can't leave our money like that. We have to utilize it, we have to make it functional, and we have to earn something from that. So we are going to use it in some short-term investment like marketable securities. So humne kaha कि हमारे पास क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन बैंकिंग जो है हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम उसको क्या करते हैं कि इन चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और हम कंसंट्रेशन बैंकिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कहता है कि कंसंट्रेशन सर्विसेज फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स, कि आपके पास जो है ये कंसंट्रेशन की जो हमने जिक्र किया ये प्रोसेस आपके पास कैसे चलता है। ठीक है, कि हम जो है इस चीज को देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन की सर्विसेज आपको बैंक जो है प्रोवाइड करता है, तो उसके भी अपने पास डिफरेंट तरीके कार होते हैं। ठीक है, जिसमें पहली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, कहता है कि डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक्स, जिसको अगर हम शॉर्ट उसमें कहें तो DTC, जिसके अगर हम डेफिनेशन पर देखें तो कहता है कि नॉन नेगोशिएबल चेक पेबल टू अ सिंगल कंपनी अकाउंट एट अ कंसंट्रेशन बैंक, व्हिच सिंपली मींस दैट वी कैन से दैट अ चेक एन अरेंजमेंट मूव्स फंड्स थ्रू द यूज ऑफ द प्री प्रिंटेड डिपॉजिटरी चेक ड्रॉन ऑन अ लोकल बैंक and payable to a single company account at a concentration bank. Funds are not immediately available on receipt of DTC, however, because the check must be collected through usual channels. So today more and more of the companies are transmitting deposit information via telephone to their concentration banks, which prepares and deposits the DTCs into the firm's account. And of course, any saving that results from the use of the DTC must be measured and compared with the cost of using this arrangement. So we can use this amount in some another way. So we can simply say that we take the check to the bank and the bank is going to process that check for us. So hum jo normally karte hain wo tarike ka hamare paas kya ho sakta hai ki depository transfer checks bhi ho sakte hain, ki humne jo hai jo non negotiable check hame mila ye ho gaya, hum usko kya karte hain ki to a single company account at a concentration bank, uske jo bank hota hai wahan pe wo jata hai jahan pe uska account hai usko deposit karte hain aur usse wo paise le lete hain। So, इसमें जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कहता है कि funds are not immediately available upon receipts of the DTC। हमने कहा कि जो है जब आप उसको चेक लेकर नॉर्मली अगर आप देखें तो आपके पास अगर कोई आपको चेक दे देता है तो आप उसको क्या करते हो, बैंक लेकर जाते हो, तो बैंक उसको प्रोसेस करते हो, फिर उसके बाद जब पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो आप पैसे निकाल सकते हो, तो ऑन द स्पॉट आपको जो है उससे पेमेंट नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, जिसको अगर हम जो है शॉर्ट टर्म में कहें तो ACH आ जाता है, जिसको जो है डेफिनेशन क्या कहती है, एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक, सो इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। सो दिस आइटम इज एन इलेक्ट्रॉनिक चेक इमेज वर्जन ऑफ द डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक व्हिच कैन बी यूज्ड बिटवीन बैंक्स दैट आर मेंबर्स ऑफ ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम। ट्रांसफर फंड्स बिकम अवेलेबल वन बिजनेस डे लेटर एज द कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ACH इलेक्ट्रॉनिक transfers have been replacing many mail based DTC transfers, so they are much better because they are replacing the physical movement of the check. So hum kya kar lete hain ki simply jo hum wahan pe jo hai ek jagah se check lekar jana aur usko receive karne ko hum kya kar lete hain ki directly uska image aapke check ka jo hai wo kya kar lete hain transfer kar diya jata hai। theek hai,
और वो जो है जो रिसीवर जो होता है पेमेंट्स का, उसको मिल जाता है और बैंक उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर देती है, उसको क्लियर कर देती है, उसको चेक कर लेती है, और फिर हमारे पास जितने भी जो पेमेंट होती है उस बंदे को डायरेक्टली रिसीव हो जाती है। सो इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चेक इमेज वर्जन ऑफ DTC, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चेक का जो है एक वर्जन हो सकता है DTC का, जो हमारे पास एक मैनुअल प्रोसीजर था, ठीक है, नॉन नेगोशिएबल, जो हम क्या कहते हैं पेपर्स लेकर जाते थे, अब आपके पास क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिकली, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मेंबर है तो वो उसको क्या कर रहा है सारा का सारा फंक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने कहा कि कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड इज रिप्लेसिंग DTC, और इसका इतना खर्चा भी नहीं होता और आपके पास जो है DTC को रिप्लेस भी कर रहा है, ठीक है, कि जो हमने कहा कि डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक का जो प्रोसीजर है उसमें जितना आपका कॉस्ट इनकर हो रही होती है, इसकी कॉस्ट उससे कम होती है क्योंकि बैंक टू बैंक डायरेक्टली उनके जो है अपने ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है। तो जब बैंक टू बैंक उनके ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती है तो वो क्या हो रहा है कि एक सूटेबल हो जाता है, एक कन्वीनियंस आपके लिए क्रिएट कर देता है, और आप जो है उसको इसलिए लोग जो है क्या कर रहे हैं अब ज्यादा फोकस ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ACH पे फोकस कर रहे हैं बजाय उसके जो है जो डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक्स हैं। थर्ड इसमें हमारे पास आ जाती है वायर ट्रांसफर, ठीक है, पिछले जमाने भी हम वायर के जब जिक्र करते थे तो आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप क्या करते हो कि पैसों को जो है मूव करते हो, ठीक है, और इसी चीज को इन्होंने क्या कहा हुआ है कि डिफाइन इसी तरीके से किया है, कहता है कि जेनेरिक टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यूजिंग टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक फेड वायर, लाइक वी कैन से दैट दिस इज द फास्टेस्ट वे टू मूव मनी बैंक बिटवीन बैंक्स इन विद इज विद अ वायर ट्रांसफर। A wire transfer is simply a telephone-like communication which, via bookkeeping entries, remove funds from a paired bank account and deposit them in account of the pay bank. Wire transfer may be made through the Federal Reserve or through a private wire system, because we can say that when we say that it is an electronic procedure, so from electronic, we means that it is two-way communication. So from one person is sending the money and the other one is receiving. So this way of process receiving payment is very fast, but it costs more than the simple methods we have studied before, like ACH and the DTC. Light से हम कह देते हैं कि आपके पास क्या हो जाता है कि जब आप electronically quickly transfer करते हो, आप जो है एक bank में जाते हो, bank को कहते हो कि जी मैं जो है यहाँ से पैसों को transfer कर रहा हूँ, तो वो आपके जो transfer करके दे रही है directly जो है bank to bank आपके पास जो transfer हो रही है उसका खर्चा ज्यादा होता है बनिस्बत इसके कि आप check लेकर जाते हो, ठीक है, तो वो जो है आपके पास उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि फंड्स आर अवेलेबल अपॉन द रिसीप्ट ऑफ द वायर ट्रांसफर मच मोर एक्सपेंसिव, कि इसका फायदा तो ये हो जाता है कि आप जैसे ही ट्रांजेक्शन का जिक्र करते हो वो ट्रांजेक्शन हो जाती है। लेट्स से आप क्या करते हो कि जो है अपने मोबाइल ऐप के जरिए से जाते हो अपने बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आप वहां पे जो है क्या करते हो कि पेमेंट कर देते हो अपने मोबाइल फोन के कार्ड की, आप उसमें जो है लोड कर लेते हो कि जी मैंने 100 रुपए का कार्ड लोड करना है, जी इस नंबर पे मुझे अपलोड करके दे दें, आपका बैंक डायरेक्टली उसको प्रोसेस कर देता है, आपको उसी टाइम पैसे मिल जाते हैं। ये तरीका तो आपके पास बहुत ही क्विक हो गया, सूटेबल हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अगर हम जिक्र करते हैं तो ये हमारे पास जो है अमेरिका में जो है उसके फेडरल रिजर्व वायर सिस्टम उन्होंने जो है डिवेलप किया हुआ है जो इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और इसके जो है वो कहते हैं कि अगर वो चार्ज करते हैं तो 57 सेंट जो है ऑलमोस्ट वो इसके लिए प्रोसेसिंग की फीस लेते हैं, ठीक है, और फिर जब हम उसको टिपिकली अगर देखें इन सबको कि वो रिसीव करना, सेंडिंग करना और फिर ये जितने भी काम इसमें परफॉर्म हो रहा होता है तो उसको ऑलमोस्ट जो है वो $15 तक चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है नॉर्मल एस्टिमेट हमने बता दिया कि $15 to $20 इस तरीके से वो इसका चार्ज करते हैं, तो ये जो है आपके पास इसके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कि जैसे हम जो है एक चेक आपको मिला आप उसको खुद लेकर के उसको जमा कराए तो उसके कोई पैसे नहीं है, लेकिन जब आप इसके जरिए से कर रहे हो तो वो आपसे क्या करे उसके चार्ज कर रहा है, तो जब आप जो है इस तरीके से इसको कर रहे हो तो आपको चार्जेस ज्यादा हो रही होती है, तो हम कहते हैं कि वायर ट्रांसफर जो है इसलिए हाई कॉस्ट आपके लिए हो जाता है बाकियों के मुकाबले में, लेकिन लोग उसको जो है वो यूज करते हैं जिनके पास जो है ज्यादा अमाउंट्स होते हैं या जो है जो अपने ट्रांजेक्शंस को क्विक करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हमने पढ़े, ठीक हो गया, कि हमने किस तरीके से अपने जो है ट्रांजेक्शन्स को क्विक करना है, अपने जो है रिसिप्ट को क्विक करना है, जिसमें हमने पहली चीज़ जिसका जिक्र हमने किया तो हमने कहा कि हमारे पास एक मेथड तो हमने कहा कि अपनी बिलिंग्स को अर्लियर कर लें, ठीक है, बिल्स को अर्लियर करने से मुराद हमारा क्या था कि हमारे पास जो प्रोसेसिंग फ्लोट चल रही थी वो थोड़ा सा क्विक हो जाए, कि जैसे ही हमारे पास पेमेंट्स आती हैं हम डायरेक्टली उसको क्या करें, जैसे ही हमने सेल्स कर ली, सेल्स होने के बाद हम रसीद उसको जो है भिजवा दें, जैसे जितना जल्दी भिजवा देंगे उसको जल्दी से वो प्रोसेस करेगा। दूसरी चीज़ हमने इसमें कही
कि हमारे पास जो है लॉग बॉक्स सिस्टम भी आप बना सकते हो कि आपका जितना भी जो है फ्लोटिंग टाइम लग रहा था आपका, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हो प्रोसेस फ्लोट को, कि जितना आपके पास चेक आया आप उसका एनालाइज कर लो, तो आप उस स्टेप को निकालने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस स्टेप को जो है इसमें से निकाल लूँ और मेरे जो है प्रोसेस तेज हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि आप लेटर बॉक्स के सिस्टम बना रहे थे या पोस्ट बॉक्स का सिस्टम बना रहे थे कि जहाँ पे आपके सारे के सारे चेक्स रिसीव होते हैं और आप जो है बैंक खुद ही उसी को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। फिर हमने कहा था कि ये भी थोड़ा सा अगर आपके पास जो है क्या हो जाता है कि ज्यादा से आपके पास जो है बैंक आ जाते हैं, लॉक बॉक्स के सिस्टम आ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप क्या कर लेते हो उसके लिए एक सेंट्रल बैंक जो है मुख्तस कर लेते हो या सेंट्रल प्लेस मुख्तस कर लेते हो, जिसलिए हमने कहा कंसंट्रेशन बैंकिंग। ठीक है, कि वो क्या करता है कि वो सारे के सारे पेमेंट्स जितनी भी एक्स्ट्रा हो रही होती है या आपके पास आ रही है वो उसका हिसाब किताब अपने पास रखता है, और आपको इससे फायदा क्या मिलता है, आप उसको उन पैसों को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड चीज हमने उसमें कही कि जी ये जो है हमारे पास कंसंट्रेशन के फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, तो उसमें हमने कहा कि एक तो ये हमारे पास जो नॉर्मली हम यूज करते हैं डिपॉजिटरी ट्रांसफर चेक DTC का, जो हमने कहा कि आप जो है क्या करते हो कि चेक एक जो है ड्रा कर लेते हो दूसरे को पहुंचा देते हो, ये तरीका हो सकता है। दूसरा हमने कहा कि आपके पास जो है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का फंक्शन हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको जो है ट्रांसफर कर लेते हो। ठीक है, और थर्ड हमने कहा कि वायर सिस्टम आ जाता है कि आपके पास जो है फंड्स का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली क्विकली आपके पास हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसको पेमेंट्स को क्विक करने के तरीकेकार थे कि हमने जितने भी जो है लोगों को चीजें सेल आउट की थी उस प्रोसेस को हम क्विक कैसे करेंगे। नाउ बारी आ जाती है हमारे पास कि हमने देखना है कि हमने अपनी जितनी भी जो है जो कैश पे आउट्स हैं, जो लोगों को हमने पेमेंट्स करनी है वो कैसे स्लो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है हमने कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज प्लेइंग द फ्लोट, कंट्रोल ऑफ डिसबर्समेंट, किस तरीके से पेबल थ्रू ड्राफ्ट, पेरोल एंड डिविडेंट, डिसबर्समेंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट, एंड लास्ट वन इज रिमोट कंट्रोल एंड कंट्रोल डिसबर्समेंट, कि हमें इन तरीकों के जरिए से अपनी पेमेंट्स को स्लो करना होगा। मैंने आपको क्या कहा कि आप अपनी पेमेंट्स को स्लो क्यों करते हो, कि आपके पास ज्यादा टाइम बच जाता है कि आप उन पैसों को इस्तेमाल कर सको। ठीक है, तो अब आपने उसको ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए, उससे ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए क्या करते हो, अपनी पेमेंट्स को स्लो करने की कोशिश करते हो, और उसको स्लो करने के लिए फिर आपको ऐसे नहीं होता कि आप उसका इनकार करते हो कि मैं आपको पैसे नहीं देता। ठीक है, आप जो है ये नहीं कहते कि मैं आपको कल दे दूंगा या परसों दे दूंगा, बल्कि आप वो तरीकेकार अपनाते हो जिनके जरिए से टाइम ज्यादा लगता है प्रोसेस होने में, प्रोसीजर उसका थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो आप उसको पेमेंट्स उन तरीकों से करने की कोशिश करते हो। सो पहली चीज जब हमने कहा कि इसमें आ जाता है प्लेइंग द फ्लोट, तो फ्लोट से हमारा मुराद क्या था, वो टाइम ड्यूरेशन था कि जिसमें हमने क्या कहा था कि आपके बैंक जो है क्या करती है कि जब बैलेंस रिसीव होता है और जो आपके पास जो है प्रोसेस हो रहा है वो सारा के सारा आपके पास जो है फ्लोट का जिक्र होता है, तो हमने उस फ्लोट को जो है किस तरीके से एक्सटेंड करना है। तो पहली चीज इसमें आ जाती है, कहते हैं कि नेट फ्लोट, कि द डॉलर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन अ फर्म्स इंडिविजुअल चेकबुक बैलेंस एंड द बैंक बैलेंस ऑन द बुक्स अकाउंट। ठीक है, कि आपके पास क्या हो जाता है कि अक्सर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके जो है जो फर्म्स की अपनी जो है बुक बैलेंस होती है उसमें बैलेंस जो है कुछ और शो हो रहा होता है और आपके बैंक के अकाउंट में कुछ और शो हो रहा होता है। क्यों शो हो रहा होता है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि उसको रिकॉर्ड करने का टाइम भी तो लगता है ना। बैंक का जब हमने जिक्र किया तो बैंक के पास जो है पेमेंट्स आ गई तो बैंक ने तो डायरेक्टली उसको प्रोसेस कर लिया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि अपने उसकी तरफ आ जाते हैं, बुक कीपिंग की तरफ आ जाते हैं, तो फिर उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि उस चीज़ को रिकॉर्ड करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, हम इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कंसिडर करते हैं कि जी हम इन सबको जो है रिकॉर्ड करेंगे फिर उन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास टाइम लग जाता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि यू राइट अ चेक टुडे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि यू राइट अ चेक टुडे विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर कैलकुलेशन ऑफ द अकाउंट बैलेंस, द चेक हैज नॉट क्लियर्ड विच क्रिएट्स फ्लोट, यू कैन पोटेंशियली अर्न इंटरेस्ट ऑन मनी दैट यू हैव स्पेंट। ठीक है, कि आज आपने एक बंदे को चेक काट कर दे दिया, तो अब आपने जब उसको चेक काट कर दे दिया तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि मैंने इसको पेमेंट कर दिया, लेकिन बैंक के पास तो अभी वो चेक नहीं गया ना, उस पर तो टाइम लग रहा है ना, उसमें तो वो फ्लोटिंग का जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वो सारा का सारा टाइम लग रहा है। तो उस टाइम तक जब वो बंदा जो है उसको चेक मिलेगा, मेल होगा, फिर वो उसको चेक करेगा, फिर उसके बाद वो बैंक में जमा करेगा, फिर बैंक में जमा करने के बाद उसे पैसे निकलवाएगा, तो वो सारा का सारा जो इतना टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन तक आप उस पर जो है इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो एक तरीका हमारे पास जो है ये हो जाता है कि हम इसको फ्लोट्स को इस तरीके से
मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि कंट्रोल ऑफ डिस्पर्समेंट, कि हम अपने जो है जो डिस्पर्समेंट्स हैं, जो पेमेंट्स कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, ठीक है। कि हम जो है दूसरों को जब हम पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हमने क्या करना होता है, स्लो करना होता है। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितने भी पैसे जो है जो आइडल टाइम के लिए पड़े हुए हैं वो आइडल ना रहे, बल्कि हम उसको क्या करें, जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें और उस पर कुछ ना कुछ हम जो है अर्न कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कहता है कि जी फर्म शुड बी एबल टू शिफ्ट फंड्स क्विकली टू द बैंक्स फ्रॉम विच डिस्पर्समेंट्स आर मेड, ठीक है। कि आप जो है क्या कर लोगे कि फंड्स वहां से जल्दी ट्रांसफर कर लोगे जहां से आप क्या कर रहे हो, पेमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। सो इसके पीछे हमारे पास जो बेसिक आइडिया क्या हो जाता है कि आप जो है एक्सेस बैलेंस अपने पास नहीं बिल्डअप करते। आप क्या करते हो कि जितना आपके लिए डेली बेसिस पे पैसों की जरूरत होती है आप उतना ही बैलेंस अपने पास मेंटेन रखते हो, क्योंकि आपके पास भी तो रिकॉर्ड होता है ना कि आपने किसको कितना पे करना है। तो आप उन चीजों के अकॉर्डिंगली उतने ही उसमें पैसे रखते हो, जो आपके पास एक्सेस अमाउंट होता है आप उसको क्या कर देते हो कि दूसरे जो है अकाउंट में या बैंक में ट्रांसफर कर देते हो, और जिनके पेमेंट्स का टाइम आ रहा होता है आप उनको रिलीज करना शुरू कर देते हो। तो आपके पास जो है ये तरीका हो सकता है। दूसरा कहता है कि जनरेट डेली डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंस रिसीव्ड एंड डिस्पर्समेंट, कि आप जो है क्या करो कि डेली इंफॉर्मेशन अपने पास जनरेट करो कि कितने बैलेंसेज हैं आपके पास, कितने आपने रिसीव करें और कितना आपने पेमेंट्स करें। सो ये सारी की सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहता है कि इसका तरीका क्या होगा, सेंट्रलाइज पेबल्स ऑन इनटू अ सिंगल स्मॉल नंबर ऑफ अकाउंट्स, दिस प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ऑफ द डिस्पर्समेंट प्रोसेस। कि आप क्या कर लो कि एक सेंट्रलाइज जो है प्लेस अपने लिए मुख्तस कर लो कि जहाँ पे आप क्या कर सको कि उस अकाउंट से आपके सारे के सारे डिस्पर्समेंट्स हैं। तो जब आपको पता चले कि आज मैंने इतने पेमेंट्स करनी है, आज मैंने उतनी पेमेंट्स करनी है, तो आप क्या कर लोगे कि उस अकाउंट में उतने ही अमाउंट जो है अलाउ करोगे और उसको जो है कैश दोगे, ठीक है। और जो आपके पास इजाफी पैसे होंगे वो अपने पास आप रखोगे और उसको तब तक यूटिलाइज करते रहो जितना आप जो है उससे बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि वो अगर आपको कोई जो है डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको डिस्काउंट की एग्जांपल दी कि वो आपको कहते हैं कि 30 डेज से पहले आपने पेमेंट कर ली तो हम आपको जो है इतना बेनिफिट देंगे, तो अगर इस किस्म की सिचुएशन है तो फिर तो आप क्या करोगे कि कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द पेमेंट करो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर और मुझे जो है डिस्काउंट की फैसिलिटी हासिल हो। अगर डिस्काउंट की नहीं है फिर आप उसको जितने भी लास्ट डे होगी पेमेंट की आप उस दिन उसके फंड्स को रिलीज कर दोगे। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, हम कहते हैं पेबल टू थ्रू ड्राफ्ट, कि हम क्या कर लेते हैं कि ड्राफ्ट के जरिए से पेमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। कि आपके जो है जो ड्राफ्ट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें हमारे पास कहता है कि अ चेक लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन अगेंस्ट द पेयर एंड नॉट अगेंस्ट अ बैंक इज अ चेक आफ्टर अ पीटीडी इज प्रेजेंटेड टू अ बैंक द पेयर गेट्स टू डिसाइड वेदर द ऑनर और रिफ्यूज्ड पेमेंट्स। कि अब आपने क्या कर लिया कि आपने जो बैंक के नाम पे जो है चेक, तो हम बैंक के नाम पे कर लेते हैं कि जी इस बंदे के नाम पे जो है इतने पेमेंट्स कर दो, लेकिन जब आपके पास ड्राफ्ट बनाया जाता है तो हम क्या कर लेते हैं कि उस जो है बंदे के नाम पे जो है कर लेते हो, पेयर के नाम पे कर लेते हो, ठीक है। कि चेक लाइक इंस्ट्रूमेंट दैट इज ड्रॉन अगेंस्ट द पेयर एंड नॉट अगेंस्ट अ बैंक एज इज अ चेक, ठीक है। बैंक के उसमें नहीं होता बल्कि पेयर पे होता है कि जो जो है पे कर रहा है उसके नाम पे जो है हम इसको इशू कर देते हैं, और फिर वो क्या करता है कि जी वो बंदा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है बैंक में, बैंक क्या करती है कि फिर आपसे कंफर्म करती है कि जी ये जो है आपने जो ड्राफ्ट बनाया हुआ है ये कंफर्म कर दें हम कि ना करें। तो इस पर टाइम लगता है, आप उसको जो है पेमेंट करना चाहते हो नहीं करना चाहते, थोड़ा सा डिले करते हो, आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो उसको डिले करने की कोशिश करते हो। सो कहता है कि डिले द टाइम टू हैव फंड्स ऑन डिपॉजिट टू कवर द ड्राफ्ट, ठीक है। कि आप क्या कर लेते हो कि जो आपके पास जो डिलेज आ जाती हैं आपके पास, उसमें आप क्या कर सकते हो कि जितने भी आपके पास ड्राफ्ट हैं आप उसको कवर कर सकते हो। सेकंड कहता है कि सम सप्लायर प्रेफर चेक्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है आपकी क्या करे कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आप खुश हो रहे हो कि जी मैंने इनको ड्राफ्ट बना कर दे दिया, तो ड्राफ्ट के जरिए से क्या हो जाएंगी डिलेज आ जाएंगी, थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा लग जाएगा पेमेंट देने में। तो आप क्या कर लेते हो, उसको कह देते हो कि जी मैंने ड्राफ्ट बना दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो क्या करे कि आपसे जो है ड्राफ्ट लें। कुछ लोग जो है आपके पास जो है वो कहते हैं कि हमें जो है चेक दो, तो फिर क्या करोगे, फिर तो आपके पास आपका ये तरीका नहीं चल सकता। सो इसलिए कहता है कि जी बैंक्स विल इम्पोज अ हायर सर्विस चार्ज ड्यू टू द एडिशनल हैंडलिंग इन्वॉल्व, और इसके जो है बैंक्स भी ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि उसको जो हैंडल करना और जो है वो पर्सनली इन चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ता है बैंक को, ठीक है।
और वो भी जो है इसकी प्रोसेसिंग को थोड़ा सा टाइडी कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ती है कि उस बंदे के अकाउंट से ट्रांसफर करना, फिर उस बंदे से कंफर्म करना उसको पेमेंट करे या ना करे, तो एक टाइडी प्रोसीजर हो जाता है। तो बैंक भी इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करती है, और वो भी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है बाई चेक हो, बजाय इसके कि आप जो है उसको क्या करो, ड्राफ्ट के जरिए से पेमेंट्स करो। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कि हमने जो है पेरोल एंड डिविडेंड्स कैसे डिस्पर्स करने होंगे। तो हमारे पास जो हमारी तनख्वाहों का टाइम आ जाता है, या आप जो है जब डिविडेंड्स वगैरह पे करते हो लोगों को, तो आपने वो किस तरीके से उसको पे करनी है, वो भी तो आपके पास जो है आपके ऊपर डेट है ना। ठीक है, आप जो है लोगों को जो पे कर रहे हो तो वो भी आपके पास जो है आपके ऊपर कर्जा होता है। ठीक है, कि आपने उनसे जो है जितने उनसे सर्विसेज ली थी उनके पेमेंट आपने देनी होती है, तो वो भी तो आपके बैंक से ही आएंगे पैसे। तो अब आप जो है उसको जो टाइम बताया तो उसके अंदर अंदर आपने उसको पेमेंट भी तो करनी होती है। सो आपने इन चीजों को कैसे मैनेज करना होता है। सो कहता है कि आपके पास इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, अक्सर सेपरेट जो है पेरोल डिसबर्समेंट अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। ठीक है, और वहां पे वो करती है, कोशिश करती है कि वहां पे इतने ही पैसे अपने पास रखें जितना जो है उसका अंदाजा होता है कि लोग इस डेट को चेक जो है कैश कराएंगे या पैसे निकलवाएंगे। सो इसलिए ये कहता है कि द फर्म अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन वेल पेरोल एंड डिविडेंड चेक्स विल बी प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन, कि वो जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे या जो है पास्ट उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे देखती है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज जो है वो जब चेक उनको मिल जाता है या सैलरी के जो है पैसे मिलते हैं तो वो जो है कौन से डेट पे उसको जो है रिसीव करती है। तो आप जो है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो, और फिर उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो कि उन डेज में पेमेंट्स करने की कोशिश करते हो। कहता है कि आपके पास क्या होता है कि मैनी टाइम्स अ सेपरेट अकाउंट इज सेट अप टू हैंडल ईच ऑफ दीस टाइप्स ऑफ डिसबर्समेंट। और जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनियां क्या करती हैं, इसके लिए एक अलग अकाउंट बना लेती हैं। उसका फायदा क्या हो जाता है कि उनके जो है, मैंने आपको क्या कहा कि अब एक अकाउंट में उनके जो है 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और उन्हें जो सैलरीज देनी है वो 10 लाख की देनी है। अब 50 लाख जो उसके पास पड़े हुए हैं, तो अब वो 50 लाख में से जो 40 लाख उसके काम के बच रहे हैं तो वो यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, वो क्या करेगा कि वो जो है दूसरे अकाउंट में रख देगा जो उसके लिए बैंक को उसने कहा होगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करके दो, 10 लाख रुपए मेरी पेमेंट्स के लिए चाहिए, वो उसमें से अलग कर देगा। तो इस किस्म के लिए जो है वो क्या करते हैं, अपना डिस्पर्समेंट अकाउंट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस कैजुअल इज प्रोजेक्टेड बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उसकी प्रोजेक्शंस करते हैं कि कौन कौन से डेट पे जो है लोग ज्यादा पेमेंट्स निकालवाते हैं। एंड फंड्स आर डिपॉजिटेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड नीड्स। और आप जो है फिर उसके मुताबिक देखते हो कि लोग किस डेट को ज्यादा पैसे निकलवाते हैं। जैसे अब ईद आ रही है, तो ईद में जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 20th डेट को पेमेंट देना शुरू कर दी सबको। तो गवर्नमेंट को पता था कि जी अब जो है ईद का टाइम आ रहा है, तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे लेना चाहते हैं और अर्ली पेमेंट्स करना लेना चाहते हैं क्योंकि उनके एक्सपेंसेस होंगे। तो वो क्या कर रहा है, उसको जल्दी पेमेंट्स कर रहा है। ठीक है, तो उनके एक्सपेक्टेड नीड्स को देखता है। फिर उसके बाद कहते हैं मिनिमाइजेस एक्सेसिव कैश बैलेंसेस। और वही बात कि आपके पास जो एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपके पास कम होना शुरू हो जाता है, और आप जितने भी जो है लोग जितने दिनों में पेमेंट्स रिसीव करते हैं उसके मुताबिक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। और इसी को इन्होंने जो है ग्राफिकली शो किया हुआ है। कहते हैं कि द फर्म मे प्लान ऑन पेरोल चेक्स बीइंग प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर पैटर्न एवरी पे पीरियड। कि वो क्या कर लेती है कि परसेंट, जैसे इन्होंने जो है लेफ्ट साइड पे जो है वाई एक्सेस पे इन्होंने लिखा हुआ है कि पेमेंट्स परसेंट ऑफ जो है पेरोल कलेक्टेड, नीचे जो है उन्होंने क्या किया पेड है कि लोग जो है जिस दिन उनको पेमेंट अगर आप फ्राइडे को करोगे तो जाहिर सी बात है कि फ्राइडे के दिन पे हर बंदा जो है चेक नहीं लेकर जा सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 25% लोग ऐसे होंगे जो फ्राइडे के दिन जैसे ही चेक मिल जाता है वो जो है उसको लेकर चले जाते हैं बैंक में जमा करा देते हैं। लेकिन जब वो बैंक में जमा कराते हैं तो क्या होता है, सैटरडे ऑफ होता है, संडे भी ऑफ है, तो फिर मंडे को कहीं जाके उसके चेक प्रोसेस होगा। तो इसलिए कहता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज आपके पास ज्यादा आ रही है वो क्या हो जाती है, उन लोगों की आ जाती है जो मंडे को चेक डिपॉजिट करते हैं, ट्यूसडे को मजीद कम हो जाते हैं लोग क्योंकि जो है फिर वही टाइम ड्यूरेशन की मसला आ जाता है, वेनसडे को बिजी लोग आते हैं। इसी तरीके से जो है वो सारे दिनों को देखते रहते हैं और इसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं कि वो जो है थर्सडे फ्राइडे और इन चीज़ों को स्प्लिट करके देखते हैं, और इसके बेसिस पे अपने पेमेंट्स को देखते हैं कि कौन से लोग किस दिन पे पेमेंट ज़्यादा रिसीव करेंगे, चेक अगर उनको मिल जाए तो क्लियर करेगा, कौन सा बंदा जो है चेक को इन डेज में क्लियर नहीं करेगा। तो ये भी एक तरीके का हो सकता है आपके पास कि आप अपने पेमेंट्स को इन चीजों के जरिए से देखते हो कि आपके पास जो है कि लोग कब जो है अपने चेक्स को जो है क्लियर करवाते हैं, कब अपने पैसे लेते हैं, कब पैसे नहीं लेते, तो आप उसी हिसाब से उस दिन ज्यादा पैसे अकाउंट में रखते हो, अगले दिन जो है फिर कम रखते हो। अगला हमारे पास इसमें एक और तरीका आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि जी यही जो है सारे डिस्बर्समेंट को मैनेज करने की कोशिश करें, तो उसमें एक लास्ट मेथड हमारे पास आ जाते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट।
कि आपकी कंपनीज क्या करती हैं कि वो एक अलग बैलेंस अकाउंट मेंटेन करती है जिसको हम कहते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो बैलेंस अकाउंट बेसिकली क्या है, कहते हैं कि कॉर्पोरेट चेकिंग अकाउंट इन विच अ जीरो बैलेंस इज मेंटेन। द अकाउंट रिक्वायर्स अ मास्टर पेरेंट अकाउंट फ्रॉम विच फंड्स आर ड्रॉन टू कवर नेगेटिव बैलेंसेस एंड टू विच एक्सेस बैलेंसेस आर सेंट। ठीक है, कि बैंक क्या कर देती है कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट जो है मेंटेन रखती है जिसको हम जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं, और वह अकाउंट बिल्कुल खाली होता है। जब जिस दिन पेमेंट के टाइम आ जाता है या जो पेमेंट मांगता है उसी दिन उसके जो है जो मास्टर अकाउंट होता है वहां से वो पैसे निकाल के इसमें ट्रांसफर करके उस बंदे को दे दिए जाते हैं। इसका फायदा क्या हुआ आपको, जो है क्या हो रहा है कि जिस दिन जिस बंदे ने पैसे निकलवाने हैं उसी दिन उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और वो चले जाएंगे। अगर उन बंदे ने जो है लेट से आपके एम्प्लॉयज जो है 20 एम्प्लॉयज हैं, तो मंडे को आपके जो है 5 एम्प्लॉयज गए तो 5 एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल लेगा, बाकी लोगों के पड़े रहेंगे, आपके मास्टर अकाउंट में इस्तेमाल होते रहेंगे। फिर अगर छठे दिन पे जो है एक बंदा आ जाता है तो एक बंदे के जो है पैसे ले लेंगे मास्टर अकाउंट से और इसमें डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रोसीजर चलता है और आपके जो एक्सेस बैलेंस होता है उसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एलिमिनेट्स द नीड टू एक्यूरेटली एस्टिमेट ईच डिसबर्समेंट अकाउंट। इससे फायदा आपको क्या हो जाता है कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती, जो पिछले मैसेज में हमने कहा कि आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि जी कितने परसेंट लोग पेरोल कलेक्ट करेंगे, डिविडेंड कलेक्ट करेंगे, अब बस जिस दिन आएगा उसी दिन उनको जो है पेमेंट्स हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ से जो है निकल जाओगे, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाते हो। और कहते हैं कि ओनली नीड टू फोरकास्ट ओवरऑल कैश नीड्स, और आपको सिर्फ यही देखना पड़ता है कि कितना कैश आपको ज़रूरत होगा, कि आपको कितने जो है सैलरीज देनी पड़ेंगी, आपको उन चीज़ों पर जो है नज़र रखनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप जो है इन एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं पड़ोगे कि कितना बैलेंस देना पड़ेगा, कितना मेंटेन किया था हमने, कितना मेंटेन नहीं किया था, कौन लोग कितने जो है चेक्स लेकर आएंगे, कौन लोग चेक लेकर नहीं आएगा। तो इन झंझटों से आप निकल जाते हो और सिंपली आप जो है इन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हो। फिर हमारे पास जो है इसमें आ जाती है लास्ट चीज़, हमने जिसको कहा कि हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था इसमें वो क्या था स्लोइंग डाउन में पेमेंट्स में, वो था रिमोट एंड कंट्रोल डिस्बर्समेंट। कि आप अपने जो है जो डिस्बर्समेंट है उसको क्या करते हो, वो रिमोट कर देते हो या फिर आप उसको जो है कंट्रोल तरीके से जो है लेकर जाते हो। सो व्हाट डू वी मीन बाय रिमोट डिस्बर्समेंट, सो अ सिस्टम इन विच फर्म्स डायरेक्ट चेक टू बी ड्रॉन ऑन अ बैंक दैट इज ज्योग्राफिकली रिमोट फ्रॉम इट्स कस्टमर सो एज टू मैक्सिमाइज चेक क्लियरिंग टाइम। सो अब आप क्या कर लेते हो कि आप जो है इस तरीके से चेक जो है ड्रा करने की कोशिश करते हो, ठीक है, मेल करते हो चेक को वाई फॉर्म्स के, वो जो है उस पर टाइम लगे कि वो बंदा उसको ड्रा करे। लाइक वी कैन से दैट वेरियस मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड टू मैक्सिमाइज डिस्बर्समेंट फ्लो थ्रू द सिलेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकली ऑप्टिमल डिस्बर्समेंट बैंक्स। द आइडिया इज टू लोकेट डिस्बर्सिंग बैंक्स एंड टू ड्रा चेक्स ऑन देम इन अ वे दैट विल मैक्सिमाइज द टाइम अ चेक विल रिमेन आउटस्टैंडिंग। अ फॉर्म यूजिंग रिमोट डिस्बर्समेंट माइट फॉर एग्जांपल अ मेल a check to a supplier in a main that was drawn on the bank in the Helena, Montana. So we can say that if you are drawing a check in the one region and you are paying to the person, or he is drawing the checks in another bank, so it takes a time. Let's say we can say that we have another common terminology we hear that interbank time, yeah, charges. What do you mean by interbank charges? It means that if you are drawing a check from another bank and that is of from Karachi or Lahore, so it takes a time to be cleared. So that gives also a benefit to you. जिसका मतलब हमने जो है अगर simple अल्फाज में आपको दूँ कि अगर आपको जो है क्या होता है कि कराची में जो है एक बंदे का अकाउंट था वहाँ पे जो है यहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कराची का जो है चेक ड्रा करा दी, ठीक है। तो अब कराची में उनका जो बैंक था HBL का, वहाँ पे उन्होंने चेक ड्रा करा दिया, आपको दे दिया, यहाँ पे पेशावर में आप उसके लिए काम करते हो उनके ब्रांच में, तो अब आप जब बैंक में लेकर जाओगे तो वो आपसे उसके एक तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा कि उस पर टाइम लग रहा है कि जी वो तो दूसरे एरिया का चेक है, और फिर इस तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा कि उसको क्लियर होने में जो है 2-3 दिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से क्लियर होगा और फिर उसके बाद आएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये चीज़ हमने कहा कि जी अगर एक बंदा जो है जो मेन में है वहाँ पे सप्लायर है जी, ओके, वो जो है मेल कर दे चेक और फिर दूसरा बंदा जो है उसको हेलेना या जो है दूसरे इलाके में जैसे मैंने आपको सिंपल कराची और उसकी एग्जांपल दी वहाँ पे उसको रिसीव करता है, तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। सो कहते हैं कि दिस मैक्सिमाइजेस द डिस्बर्समेंट फ्लोट, तो इसकी वजह से भी आपके पास जो है डिस्बर्समेंट का फ्लोट जो है बढ़ जाता है। और ये जो है एग्जाम्पल इन्होंने दी थी जो मैंने आपको सिंपल करके अपने लोकल उसमें कर दिया, कि कहता है कि अवर माउंट बिजनेस पे इज अ मेन सप्लायर्स विद अ चेक ड्रॉन ऑन द बैंक इन मोंटाना, ठीक है, क्योंकि वो मेंटेना माउंटेना में जितना जो है बैंक ड्रा था उसके नाम पे ड्रा कराता है। So this may stress suppliers relations and raises ethical issues. तो ये सिचुएशन तो आपके पास बड़ी अच्छी है कि आप जो है इस तरीके से दूसरे बैंक और उसके जो है चेक्स उनको दे दो और फिर जो है उसके लिए प्रॉब्लम बना दो, लेकिन इसको एथिकली गलत कंसिडर किया जाता है।
क्योंकि आप उसका जो है नाजायज फायदा उठा रहे हो। लेट से मैं आपके लिए यहाँ पे पिशावर में काम कर रहा हूँ और आप मुझे जो है कराची का चेक दे दो, ठीक है? तो अब वो जो है क्लियर होने में टाइम लग रहा है, ठीक है? जो है मुझे जो है किसी और बैंक का चेक आपने दे दिया, तो अब उसके जो है क्लियरिंग में टाइम लग रहा है, तो ये तो थोड़ा सा अनएथिकल सिचुएशन हो गया, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपको पैसों की जरूरत थी और वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से डिलेज कर रहे हैं। तो इस चीज के जो है जितने जो आपके पास एथिकल इश्यूज और इन चीजों को जब देखा गया, तो इसके जो है कंट्रोल करने के लिए फिर एक और सिस्टम हमने जो है लेकर आए, वो हमारे पास है कंट्रोल डिसबर्समेंट का। वो क्या कहता है कि सिस्टम इन विच फॉर्म डायरेक्ट्स चेक्स टू बी ड्रॉन ऑन अ बैंक और अ ब्रांच बैंक दैट इज एबल टू गिव अर्ली और मिड मॉर्निंग नोटिफिकेशन ऑफ द टोटल डॉलर अमाउंट ऑफ चेक दैट विल बी प्रेजेंटेड अगेंस्ट इट्स अकाउंट दैट डे। ठीक है, कि आप क्या कर लेते हो कि इसके लिए सिंपल तरीके से हमने कहा कि आप जो है कंट्रोल डिसबर्समेंट सिस्टम ले आते हो, कि आप अपने जो है क्या कर लेते हो कि फॉर्म जो है वो डायरेक्ट कर लेती है चेक कि अपने बैंक को या ब्रांच के नाम पे, क्योंकि जो उसको अर्ली या रात को जो है नोटिफिकेशन देती है कि उसके जो है चेक में जो पैसे जो उन्होंने देना था या प्रेजेंट करना था उसकी पेमेंट उसको अगले दिन पे मिल जाएगी या स्पेसिफिक डे पे उसको वो पेमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो वी कैन से दैट इट टू मे यूज ऑफ स्मॉल आउट ऑफ द वे डिस्पर्समेंट बैंक्स। हाउएवर द प्राइमरी रीजन फॉर चूजिंग दिस पर्टिकुलर डिस्पर्समेंट बैंक्स इज दैट द लेट प्रेजेंटमेंट्स चेक रिसीव्ड आफ्टर द इनिशियल डेली शिपमेंट्स ऑफ चेक्स फ्रॉम द फेडरल रिजर्व्स आर मिनिमल। दिस फैक्ट अलाउज दैट द फर्म टू बेटर प्रेडिक्ट डिस्पर्समेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो यू हैव टू फोकस ऑन द डे टू डे डिस्पर्समेंट्स ऑन द पेमेंट्स। सो वी कैन से दैट लेट चेक्स प्रेजेंटमेंट आर मिनिमल विच अलाउज मोर एक्यूरेट प्रेडिक्टिंग ऑफ डिस्पर्समेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो आपको क्या फायदा मिल जाता है कि आप जो है उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और आपके पास जो बैंक था आपको जो है उसको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो आपने जो वहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन जो है कंसिडरेशन का हमने जिक्र किया कि आप उसको क्या करते हो कि रिमोट बैंक्स और उनमें फंसा देते हो और उनके जो है प्रॉब्लम में उसको फेस करने पड़ते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम में ले आते हो और उसको जो है पेमेंट थोड़ा सा क्विकली हो जाती है। तो ये जो है हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिसके जरिए से हमने कहा कि हमने अपनी पेमेंट्स को कैसे स्लो करना होगा, अपने जितने भी हमारे पास जो है रिसिप्ट्स जो पेमेंट्स पे आउट हमने करने हैं उसको स्लो कैसे करना है। तो उसमें हमने एक मेथड क्या पढ़ा, हमने कहा कि पहली चीज हमारे पास अपने फ्लो को जो फ्लोट के साथ खेलो, ठीक है, उसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ कि आपके पास जो है जब आपने दे दिया और फिर वो उसको क्लियर करेगा उसमें जो टाइम ड्यूरेशन लग रहा है उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करो। दूसरा हमने कहा कि अपने जो है जो डिस्पर्समेंट है उसको कंट्रोल करो, कैसे करो उसके लिए हमने कुछ मेथड्स बताए जिसमें हमने कहा कि ड्राफ्ट के जरिए से पेमेंट कर लो तो स्लो हो जाएगा, ठीक है, अपने पेरोल और डिविडेंड के डिस्पर्समेंट कर लो जिसमें हमने जो है कहा कि जिन दिनों में ज्यादा जो है फ्रीक्वेंटली परसेंटेज ज्यादा हो लोगों के जो है चेक प्रेजेंट करने के उन डेज में आप पेमेंट ज्यादा रखो अदरवाइज ना रखो। उस चीज से बेहतर हमने कहा कि आप फिर जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन रखो कि आपके पास जो है जितना बैलेंस चाहिए होगा जितने पैसे चाहिए होंगे आपके मास्टर अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी पैसे आपके पास मौजूद रहेंगे। थर्ड हमने कहा कि आपके पास क्या हो सकते हैं कि आप जो है कंट्रोल करो उसको रिमोट या कंट्रोल डिस्पर्समेंट के जरिए से, कि आप उसको जो है डिफरेंट रीजन्स के चेक वाइज लेकर जा सकते हो या फिर आप उसको जो है थोड़ा सा ओवरकम कर लो और अपने जो है ब्रांचेस के जरिए से उसको जो है थोड़ा सा डिलेज लेकर आ जाओ। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कहा कि हमने जो है कैश होल्डिंग कैसे करनी होगी, ठीक है, किन मकासद के लिए हम कैश होल्ड करते हैं। फिर हमने उसमें से कहा कि जी हम जो है कैश तो होल्ड कर रहे होते हैं लेकिन हमें क्या करना होता है कि अपने पेमेंट्स और इनको जो है कंट्रोल करना होता है, कैश मैनेजमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे तरीके से अपने कैश को मैनेज कर सकोगे तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके जो है जो होल्डिंग होगी वो पॉसिबल हो जाएगी। अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं आ रहे होते बल्कि आप दूसरों के पैसों पर जो है जो बिजनेस कर रहे होते हो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हो उनको आपने क्या करना होता है बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना होता है। और इसलिए हमने कहा कि आपके पास क्या होगा कि अपने जितने भी पेमेंट्स होंगी उनको जो है क्या करना होगा स्लो करना होगा कि लोगों को पेमेंट स्लो करो, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट तरीके अपनाओ। और जितने आपके पास जो है रिसिप्ट होंगे अपने पैसे रिसीव करने होंगे उसके लिए तरीके अपनाओ, कहीं पे डिस्काउंट हो कहीं पे कोई और ऐसे जो है बिल्स उनको जल्दी दो ताकि आपके पेमेंट्स आपको जल्दी मिल सकें और आप उन पैसों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you.